जय हिंद जय भारत। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए एक राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी हुई क्लास है, बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, जान लीजिएगा। विशेषकर जो यूपी पैट का जो एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए वो जरूरी से क्लास को ले। एक सवा घंटे क्लास होगी राष्ट्रीय आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम। जो स्वतंत्रता संग्राम है उससे 5 क्वेश्चन आपके पक्के आने हैं, और आपने अगर ये घंटे क्लास कर ली तो आपको पक्का इसमें क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। कहीं भी आपने कहीं ना पढ़ा हो, कुछ ना पढ़ा हो, ये क्लास आप जरूर देखें, आपको पक्का निश्चित रूप से क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए फालतू की बातें ना करते हुए करते हैं स्टार्ट स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, देखो सुन ध्यान से, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को मैं कहानी की तरह शुरू से बताऊंगा आपको। 1885 से लेकर 1947 तक की सभी घटनाओं को मैं एक के बाद एक क्रमिक रूप से लिख रहा हूं ताकि आपके दिमाग में एक छवि बने और आपको सन रटने की आवश्यकता ना हो, डेट रटने की आवश्यकता ना हो। स्वतंत्रता संग्राम राष्ट्रीय आंदोलन की जो शुरुआत मानी जाती है वो 1885 कांग्रेस की स्थापना से मानते हैं बच्चों। कब से मानते हैं? कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस की स्थापना भारतीय इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है। कांग्रेस जो आज की कांग्रेस है ये वही कांग्रेस की बात हम कर रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुलदास बनर्जी संस्कृत विद्यालय में हुई थी। इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय यूनियन, भारतीय राष्ट्रीय यूनियन। दादा भाई नोरू जी के कहने पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सेकंड अधिवेशन में रखा गया। इस साल कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है और उसमें अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है, तो कांग्रेस के जो अध्यक्ष है जो इसमें चुने जा रहे हैं, जो चुनाव चल रहा है, इसके हिसाब से 1885 से लेकर 1947 तक कांग्रेस के जितने अधिवेशन हुए सबकी तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ बहुत महत्वपूर्ण अधिवेशन है उनका अध्यक्ष कौन रहा, किस सन में हुए और उसमें क्या कार्य हुआ, यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने पहले बताया है कि इतिहास हो भूगोल हो उसको करंट से जरूर कहने के बिठाइएगा, उसका तालमेल करंट में जो चीज चल रही है उसका इतिहास परिप्रेक्ष्य में क्या मतलब है। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा है, सबसे पहले कब कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ, किस किसके बीच हुआ, इस समय अध्यक्ष कौन है, 1885 में अध्यक्ष कौन थे, इस तरह की बातें हैं। करते हैं स्टार्ट भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। चलिए सबसे पहली घटना है राष्ट्रीय आंदोलन की, कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस की स्थापना स्थापना 1885 दूसरा पॉइंट, नरमपंथी और गरमपंथी तीसरी घटना, बंगाल विभाजन और इसके परिप्रेक्ष्य में स्वदेशी आंदोलन। उन्नीस सौ पांच चौथी घटना, गांधी जी की वापसी और फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध। रोलेट एक्ट 1919
जलियांवाला हत्याकांड। उन्नीस इसके बाद ही घटना है। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन, कौन सा बच्चों? खिलाफत आंदोलन 1920। वो गया चौधरी कांड, जानते ही हैं, काकोरी कांड, उसके बाद साइमन आयोग। कब का साइमन आयोग याद है कब किसी को? 1928, 27 में गठन हुआ था, 28 में आया था। नो सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। गोलमेज सम्मेलन, उन्नीस सौ पैंतीस का अधिनियम, उन्नीस सौ सैंतीस के चुनाव, सेकेंड वर्ल्ड वार और व्यक्तिगत सत्याग्रह। क्रिप्स मिशन, और भारत छोड़ो आंदोलन, उन्नीस सौ बयालीस। हो गया, वो गया। अच्छा, मुस्लिम लीग, भारत विभाजन, और बच्चों स्वतंत्रता आजादी। एक टॉपिक 18वां, उग्रवादी या क्रांतिकारी चरण। ये 18 घटनाएं हैं, इन घटनाओं पर हमको चर्चा करनी है, 18 घटनाओं पर। करते हैं तुरंत स्टार्ट। सबसे पहली घटना है हमारी कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस की स्थापना। देखिए, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल कहानी की तरह सुनिए आराम से, बिल्कुल आंख खोल के। आंख बंद करोगे तो नींद आ जाएगी, क्योंकि इतिहास है, तो आंख खोलकर सुनिए, अपने दिमाग में छवि बनाइए, उसको दोबारा मत पढ़िए। 100% गारंटी है कि अगर आप क्वेश्चन आता है तो उसको सही करोगे आप। चलिए करते हैं स्टार्ट। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, 1885 में 28 दिसंबर की डेट थी। कांग्रेस की स्थापना के पीछे कारण क्या था? एक्चुअली भारत को आजाद हुए 1857 में 100 साल हो गए थे, 1857 में भारत को आजाद हुए 100 साल हो गए। इन 100 सालों में एक तरफ तो अंग्रेज क्या कर रहे थे कि हम पूरा करेंगे, आजादी का जश्न मनाएंगे कि हमको भारत को गुलाम किए हुए 100 साल हो गए। लेकिन 1857 का विद्रोह हुआ,
भारतीयों ने विरोध किया अंग्रेजों का। 57 घटना आप जानते हैं, बहुत बड़ी घटना थी भारतीय इतिहास में, उस पर चर्चा नहीं करेंगे फिलहाल। उसके बाद भारत में एकाएक राष्ट्रवाद की भावना विकसित होगी और कुछ छोटे छोटे संगठन बनने लगे, ब्रिटिश एसोसिएशन, इंडियन सोसाइटी, पुना सार्वजनिक सभा, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, तो बहुत सारी संस्थाएं बनी। लेकिन ये संस्थाएं बच्चों केवल बंगाल, महाराष्ट्र, दक्षिण भारत, पंजाब तक ही सीमित थी। सबसे पहले एओ ह्यूम, कौन? एओ ह्यूम, ऑक्टेवियन ह्यूम बोलते हैं इनको, एओ ह्यूम, एओ ह्यूम। ये स्कॉटलैंड के थे, स्कॉटलैंड कह लो या ब्रिटेन कह लो, स्कॉटलैंड कह लो या ब्रिटेन कह लो या यूके कह लो या यूरोप कह लो, यूके या यूरोप, कुछ कह लो आप, आपकी इच्छा है। ये वहां के थे, मेनली स्कॉटलैंड, आईसीएस अधिकारी थे, भारतीय सिविल सेवक थे, असम के डीएम रह चुके थे, सेवानिवृत्ति के बाद भारत में रहने का निर्णय लिया एओ ह्यूम ने। एओ ह्यूम ने कलकत्ता में जाकर विश्वविद्यालय में वहां पर छात्रों को संबोधन किया। एओ ह्यूम ने कहा कि जब तक आप अलग अलग रहोगे, यानी एक संगठन आपका बंबई में है, एक आपका कलकत्ता में है, एक दक्षिण भारत में है, एक नॉर्थ में कहीं है, तब तक आप एकजुट होकर ब्रिटिश सरकार पर दबाव नहीं बना सकते। ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाने के लिए आप सबको एक होना पड़ेगा, एक ऐसा संगठन बनाना पड़ेगा जो संगठन में, जिस संगठन में पूरे भारत का प्रतिनिधित्व हो, और जब वो अपनी बात रखेगा तो ब्रिटिश सरकार पर दबाव ज्यादा बनेगा। और भारत में जो संवैधानिक सुधार हैं, जैसे सुधार इंग्लैंड ने अमेरिका में किए थे, कहां किए थे? अमेरिका में। अगर वैसे सुधार हमको भारत में लागू करने हैं तो उन सुधारों के लिए आवश्यक है कि आप ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाओ, उसके लिए हमें एक अखिल भारतीय संगठन चाहिए। इसी बात को लेकर ए ह्यूम इस बात की तैयारी कर रहे थे कि हम एक संगठन बनाएंगे जो कैसा होगा, अखिल भारतीय स्तर का होगा। जो संगठन है बच्चों, जो कांग्रेस बना, बहुत डिटेल में तो आप फिलहाल नहीं जाएंगे डिटेल में ज्यादा, तो ए ह्यूम संस्थापक है और ए ह्यूम को ही कांग्रेस का पिता कहा जाता है, द फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ए ह्यूम ने जब स्थापना करी इस कांग्रेस की तो नाम था इंडियन नेशनल यूनियन, इंडियन नेशनल यूनियन ये नाम था। 85 में अध्यक्ष थे डब्ल्यू सी बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। 85 में स्थापना हुई, 72 लोग शामिल हुए थे और कुल 9 प्रस्ताव पास किए थे और सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसमें शामिल नहीं थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी बंगाल के सबसे बड़े नेता थे उस समय के, लेकिन वो कांग्रेस के अधिवेशन में, जो पहला अधिवेशन था उसमें शामिल नहीं हुए थे। तो पहला अधिवेशन हुआ, अध्यक्ष डब्ल्यू सी बनर्जी, इसी अधिवेशन में निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष, हर साल वर्ष के अंत में पूरे भारत में एक स्थान पर कांग्रेस का अधिवेशन होगा, और जिस स्थान पर होगा, जिस क्षेत्र में होगा, उस क्षेत्र का व्यक्ति वहां पर कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं करेगा, बल्कि कोई दूसरे क्षेत्र का व्यक्ति अध्यक्षता करेगा। जब पहला अधिवेशन हुआ बंबई में तो अध्यक्ष डब्ल्यू सी बनर्जी बंगाल के, दूसरा अधिवेशन हुआ कलकत्ता में, अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी गुजरात के, तीसरा अधिवेशन होता है मद्रास में, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के बद्रुद्दीन तैयब जी, पहले मुस्लिम अध्यक्ष, चौथा हुआ इलाहाबाद में, अध्यक्ष जॉर्ज यूले, पहले ब्रिटिश नागरिक, है ना। तो इस तरीके से यह निर्णय लिया गया कि वर्ष में एक बार अधिवेशन जरूर होगा, और जो अधिवेशन होगा बच्चों, वो जिसका अध्यक्षता करेगा वो उस क्षेत्र का व्यक्ति नहीं होगा, ताकि स्थानीय राजनीति से दूर रहा जा सके, है ना, ये तय हुआ। तो अध्यक्ष डब्ल्यू सी बनर्जी, डब्ल्यू सी बनर्जी बच्चों वही व्यक्ति हैं जो ब्रिटिश संसद के लिए, ब्रिटिश संसद के लिए पहली बार चुनाव लड़े थे लेकिन हार गए थे, पहली बार चुनाव लड़े और जीते वो थे आपके दादा भाई नौरोजी, लेकिन जो पहली बार चुनाव लड़े वो थे डब्ल्यू सी बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी।
ये पहली बार चुनाव लड़े थे लेकिन हार गए थे बेचारे। राजा मनोहर जी दूसरी बार लड़े और जीते। तो पहला डिवीजन कहां होता है? बंबई में अध्यक्ष से। दूसरा डिवीजन होता है बच्चों कलकत्ता में। कहां पर? कलकत्ता में। अध्यक्ष थे गुजरात के दादा भाई नौरोजी। इसी अधिवेशन जो दूसरा अधिवेशन था 1886 को, इसी अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी कहने पर अखिल भारतीय राष्ट्रीय यूनियन का नाम कांग्रेस कर दिया गया। कांग्रेस, कांग्रेस शब्द का अर्थ होता है लोगों का समूह। और ये शब्द लिया गया कहां से? यूएसए से लिया गया। कहां से लिया गया? यूएसए से। लोगों का समूह इसका अर्थ होता है। ठीक है बच्चों, लोगों का समूह इसका अर्थ है। दूसरा कहां हुआ? कलकत्ता में हुआ। अध्यक्ष दादाभाई नौरोजी 1886 में। इसमें जो मेन चीज वो है, कलकत्ता अधिवेशन में जो लॉर्ड डफरिन थे कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय, लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस के लोगों को गार्डन टी पार्टी का मतलब यह है कि डफरिन इसके पक्ष में थे। एक्चुअली हुआ क्या बताता हूं आपको मैं। लॉर्ड डफरिन ने ए ह्यूम को दिल्ली बुलाया 1886 में, क्योंकि आओ जरा भैया यहां आओ, ये तुम क्या कर रहे हो? भारत को जोड़ रहे हो। अरे हम तो तोड़ने का काम कर रहे हैं, फूट डालो राज करो, और तुमको जोड़ने का काम कर रहे हो, जोड़ोगे उनको? तो धमकाया ह्यूम को, तो ए ह्यूम ने कहा अब देखिए साहब ऐसा है, आप गुस्सा मत होइए, हम जो कर रहे हैं ना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हो तुम? अब हम बताते हैं। क्या बताइएगा? सुनिए, ए ह्यूम ने कहा कि हम सेफ्टी वॉल बना रहे हैं। एक्सेप्टी वॉल कैसा होता है कि जैसे 57 का विद्रोह हुआ था और हम लोग की नींवें हिल गई थी, ऐसा दोबारा ना हो तो क्या करिएगा? तो ए ह्यूम ने कहा कि हम ऐसा सेफ्टी वॉल बना रहे हैं कि अगर पूरे भारत में जब हम एक वर्ष में एक बार बैठेंगे कहीं ना कहीं, तो हमको यह मालूम चल जाएगा कि किस क्षेत्र के लोग हमारी नीतियों से खुश हैं और कहां के लोग खुश नहीं है। जहां के लोग हमसे खुश नहीं है, हमारा विरोध कर रहे हैं किसी बात को लेकर, तो हम वहां पर सही तरीके से मैनेजमेंट कर सकते हैं, उसको हैंडल कर सकते हैं, अपनी सेना भेज सकते हैं, डरा धमका सकते हैं लोगों को। तो डफरिन को यह बात सही लग गया, वाह यार तुम तो अच्छी बात कर रहे हो भाई। सही में तो सेफ्टी वाला कहा कि ह्यूम ने कहा कि ऐसा संगठन होना चाहिए ताकि हमें पूरे भारत के बारे में पता चल सके कि कहां क्या हो रहा है, हमारे बारे में कैसी राय है लोगों की। तो डफरिन ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, वो तुमने बहुत अच्छा काम किया, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। इसीलिए 1886 में कलकत्ता में सम्मेलन हुआ तो वहां पर गार्डन टी पार्टी डफरिन ने दी। लेकिन 1887 में जब अधिवेशन मद्रास में हुआ, कहां हुआ? मद्रास में, तो उसमें अध्यक्ष बने डब्ल्यूसी, वो क्या नाम बद्रुद्दीन तैयब जी। ये थे अवध के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कांग्रेस के, मद्रास में अधिवेशन हुआ था, तो ये अध्यक्ष बने। इसमें कांग्रेस के मन से सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे लोगों ने सामाजिक मुद्दे उठाने शुरू कर दिए और सरकार की तीव्र आलोचना करनी शुरू कर दी। अब डफरिन चिढ़ गया, लाल बबूला हो गया और कहा कांग्रेस कुछ नहीं है, थोड़े से लोगों का बस, जरा से लोगों का प्रतिनिधित्व करती है कांग्रेस, थोड़े से लोगों का रिप्रेजेंट करती है, बाकी कांग्रेस कुछ नहीं है, कांग्रेस खत्म है। तो डफरिन ने इसकी आलोचना की तीसरे मद्रास में, ठीक ना। चौथा अधिवेशन होता है कहां पर? पहला बंबई, दूसरा कलकत्ता। देखो पहला बंबई, दूसरा कलकत्ता, तीसरा मद्रास, चौथा इलाहाबाद यानी प्रयागराज, बंगला स्टार। बस इलाहाबाद में जब हुआ तो डफरिन ने विरोध किया,
इलाहाबाद के दो लोग और थे इस क्षेत्र के, सर सैयद अहमद खां और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, जो थे राजा बनारस के। इन दोनों लोगों ने कांग्रेस का विरोध किया था और ये दोनों लोग चाहते थे कि इलाहाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन ना हो। डफरी के भी यही आदेश थे। लेकिन दरभंगा के राजा ने, दरभंगा पड़ता है बिहार में, दरभंगा के राजा ने एक लूथर किंग जगह पड़ती है वो खरीद कर दे दी कांग्रेस को, अखलो जगह हम लोग खरीद रहे हैं, अक्रो सम्मेलन। तो चौथा सम्मेलन जो हुआ इलाहाबाद में हुआ और जॉर्ज यूले इसके अध्यक्ष बने। इस चार जुड़ याद रखे शुरू के, पहला दूसरा तीसरा चौथा। अच्छा, अब इसके बाद क्या होता है ध्यान रखिएगा, अब कोई इंपोर्टेंट नहीं है, अब पहला इंपोर्टेंट है 1905 का कलकत्ता में, कहां हुआ था, नहीं 1905 बनारस में, बनारस में अध्यक्ष थे कौन, गोपाल कृष्ण गोखले। 1906 ये इंपोर्टेंट है, कलकत्ता में अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, और इसी अधिवेशन में स्वदेशी स्वराज और बहिष्कार ये तीन प्रस्ताव पास किए गए। ये प्रस्ताव पास किए 1906 में, किस अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में, कौन अध्यक्ष, दादा भाई नौरोजी, स्वदेशी स्वराज और बहिष्कार। ये जो स्वदेशी आंदोलन था, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत अगस्त 1905 में बंगाल विभाजन के बाद बंगाल में होती है। स्वदेशी आंदोलन के दौरान पूरे बंगाल में लोगों ने बड़ी तीव्रता से, बड़े मनोबल के साथ महिलाओं ने भाग लिया। भारतीयों के द्वारा किया गया पहला इतना बड़ा आंदोलन था स्वदेशी आंदोलन। इस बात की प्रेरणा लेकर जो राष्ट्रीय आंदोलन के जो गर्मपंथी लोग थे, वो लोग इस स्वदेशी आंदोलन की भावना को पूरे भारत में फैलाना चाहते थे, और ये चाहते थे बच्चों कि जो स्वदेशी जो भावना है वो पूरे भारत में काम आए, तो पूरे भारत का मतलब ये था कि स्वदेशी आंदोलन को पूरे भारत में फैलाया जाए। हालांकि छोटी मोटी घटनाओं के साथ, जैसे दिल्ली में सैयद हैदर राजा दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। कहां पर, दिल्ली में सैयद हैदर राजा, एक थे पिल्ले वो साउथ में कर रहे थे, लाला लाजपत राय इसे पंजाब में ले जाना चाहते थे, तिलक महाराष्ट्र में, ताकि पूरे भारत में स्वदेशी वस्तुएं अपनाई जाए, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए और स्वराज की बात की जाए। लेकिन जो नरम पंथियों में शामिल थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, ये सब थे उदारवादी या नरमपंथी। गरम पंथियों में आप जानते हैं लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, इतने गरम पंथी चाहते कि बहिष्कार करें, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें और स्वदेशी को अपनाएं, शराब की दुकानों पर धरना दो, विदेशी हर वस्तु का बहिष्कार करो। नरम पंथी इसके पक्ष में नहीं थे, इसलिए कांग्रेस का विभाजन 1907 में हो गया। इस विभाजन को रोकने के लिए ही 1906 में अध्यक्ष जो बने थे वो दादा भाई नौरोजी बनाए गए। लेकिन स्वदेशी अपनी बात, वो जो गरम पंथी थे वो अपनी बात पर अड़े रहे। 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ, अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष, एक राज बिहारी बोस भी हैं, वो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग INA जिसकी स्थापना 1942 में बैंकॉक में हुई थी उसके संस्थापक थे। राज बिहारी बोस, इंडियन इंडिपेंडेंस
आर्मी, पहले लीग थी बाद में आर्मी बनी थी, INA वो के संस्थापक थे। तो राज बिहारी बोस इसका अध्यक्ष बने, लेकिन यहां पर कांग्रेस का विभाजन हो गया, और नरमपंथी अलग और ग्रामपंथी अलग, है ना। ये 23वां अधिवेशन था। अब जब विभाजन हुआ कांग्रेस का, तो इसी अधिवेशन को 1908 में मद्रास में किया गया। कहां गया या? मद्रास में। हालांकि पहले अधिवेशन नागपुर में होना था, लेकिन वहां पर ग्रामपंथियों का प्रभाव ज्यादा था, तो वहां से हटकर तो गुजरात में ले आए, और जहां पर ग्रामपंथियों का प्रभाव था, तो ये नागपुर में होना था, हुआ कहां? सूरत में। कांग्रेस विभाजन हो गया, और फिर इसी अधिवेशन को नरमपंथियों ने वापस 23वें को ही 1908 में मद्रास में किया। ठीक, यह था कांग्रेस का विभाजन, यहां तक की बात। अब इसी दौरान एक आप मैंने लिखा थी घटना आपके साथ कि बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन, ये दोनों घटनाएं एक दूसरे जुड़ी हुई हैं। स्वदेशी आंदोलन क्या है? ये घटनाएं बंगाल विभाजन 1905 में, जुलाई 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने, जो आज का बंगाल है, जिसे बांग्लादेश बोलते हैं, पश्चिम बंगाल बोलते हैं, बिहार झारखंड उड़ीसा बोलते हैं, ये सारा पहले बंगाल था। इस बंगाल में राष्ट्रीय आंदोलन की चेतना बहुत मजबूत थी। उस चेतना को कमजोर करने के लिए, इसको तोड़ने के लिए लॉर्ड कर्जन ने इस बंगाल को दो हिस्सों में बांट दिया। एक पूर्वी बंगाल जो आज बांग्लादेश है, इस पूरी बंगाल के जो धनना बच्चों, जो पूरी बंगाल था, यहां के जो जनता थी वो अधिकतर मुस्लिम थी, और जो जमींदार लोग थे वो हिंदू थे। जो पश्चिम बंगाल का इलाका था, उसमें पहले बिहार भी, उड़ीसा भी था, झारखंड भी था, यहां पर जो किसान थे वो हिंदू थे, और जमींदार बड़े स्तर पर मुस्लिम थे। जब दोनों स्थिति ऐसी बनेगी तो दोनों जगह दंगे ज्यादा होंगे, और उनकी एकता टूट जाएगी, और राष्ट्रीय आंदोलन की जो चेतना हमारे बंगाल में पनपी थी, उसको कर्जन समाप्त करना चाहता था। तो बंगाल विभाजन की घोषणा कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को कर दी, और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन को लागू कर दिया गया। तो बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था, राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर करने के लिए किया था। इसी बंगाल विभाजन के विरोध में 16 अगस्त से पहले ही, 16 अगस्त को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन घोषणा कर दी गई बंगाल में। इस दौरान जो बड़े बड़े नेता थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, गोपाल कृष्ण गोखले, सब गोखले तो हालांकि महाराष्ट्र के थे पर बंगाल में थे, फिरोज शाह मेहता, रविंद्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष, सतीश चंद्र, दिनसा वाचा, ये सब लोग बंगाल के नेता थे। इन सभी ने मिलकर स्वदेशी आंदोलन को मजबूत करने का काम किया। अभी जो आंदोलन हुआ ये बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ, और 16 अगस्त के टाउन हॉल में बैठक हुई, और यह निर्णय लिया गया कि 16 अक्टूबर जिस दिन लागू होगा उस दिन को हम शोक दिवस मनाएंगे, शोक दिवस, और उसी दिन हम राखी बंधन मनाएंगे, राखी बंधन, रक्षा बंधन। रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर ही 16 अक्टूबर को राखी दिवस मनाया गया था और शोक दिवस मनाया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर ही विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई थी, यानी विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर नहीं, स्वदेशी आंदोलन के मजबूत आधार स्तंभ थे दो लोग, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जिन्हें बोलते हैं बिना ताज का बादशाह, और रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, ये दो बड़े आधार स्तंभ थे स्वदेशी आंदोलन के। वंदे मातरम इस आंदोलन का सबसे प्रिय नारा था, वंदे मातरम, याद रखना आप, स्वदेशी आंदोलन का, स्वदेशी और स्वराज बहिष्कार,
स्वराज की बात करने वाला, स्वदेशी की बात करने वाला पहला व्यक्ति भारत का जो था वो था बच्चों दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वराज, स्वदेशी, इन सब की बात और हिंदी राष्ट्रभाषा की बात, गोरक्षिणी सभा की बात, गाय को कैसे सुरक्षित किया जाए, इन सब की बात करने वाला पहला व्यक्ति दयानंद सरस्वती था। तो वहीं से लिया स्वदेशी। और इस आंदोलन के दौरान जो कांग्रेस ने किया, बंगाल विभाजन का विरोध किया, वो इससे किया था। इस आंदोलन में कहीं पर भी गांधी जी की कोई भूमिका नहीं थी। स्वदेशी आंदोलन के दौरान लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस दौरान ध्यान रखना कई बातें जो इसमें इंपॉर्टेंट आपके लिए जानना है। एक है डॉन सोसाइटी, डॉन, एक है कार्लाइल सर्कुलर, कार्लाइल सर्कुलर। कार्लाइल एक व्यक्ति था, एक अधिकारी था, उसने आदेश निकाला सभी जिला मजिस्ट्रेटों के लिए पूरे बंगाल में कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा यदि आंदोलन में शामिल होता है तो उसको दोबारा प्रवेश न दिया जाए, और जिस विद्यालय जो जो बच्चा जाता है उसको विद्यालय प्रवेश ना हो। लेकिन उस समय तो छात्रों में बड़ा जोश था आंदोलन में शामिल होने का, हुए तो इसी दौरान सत्येंद्र बनर्जी ने डॉन सोसाइटी स्थापना की, और इसके माध्यम से बहुत सारे सरकारी स्कूल खोले, ओ अपने प्राइवेट स्कूल खोले। एक बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना हुई, किसकी, बंगाल नेशनल कॉलेज, उसके पहले प्रिंसिपल बने अरविंद घोष। इसी दौरान अविंद्रनाथ टैगोर, जो रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे, अविंद्रनाथ टैगोर ने आधुनिक भारतीय कला की नींव रखी और भारत माता का चित्र बनाया। भारत माता के जो मूर्ति है वो बनाने वाला पहला व्यक्ति अविंद्रनाथ टैगोर है। यह मूर्ति आज बनारस के बीएचयू में रखी हुई है। भारत माता का चित्र बनाने वाला पहला व्यक्ति राजा रवि वर्मा है, जो राजा थे केरल के, राजा रवि वर्मा। अविंद्रनाथ टैगोर को मॉडर्न आर्ट के पिता बोला जाता है। स्वदेशी आंदोलन का सबसे बड़ा प्रभाव जो पड़ा वो सांस्कृतिक क्षेत्र पर पड़ा। इसी दौरान बंगाल का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला लिखा गया, टैगोर जी ने लिखा। वो भारतीय कला का विकास हुआ, बहुत सारी शिक्षाएं, सोसाइटी की स्थापना हुई, विद्यालय खोले गए, विश्वविद्यालय खोले गए, शिक्षा समिति की स्थापना हुई। सांस्कृतिक क्षेत्र पर स्वदेशी आंदोलन का बड़ा प्रभाव पड़ा, लेकिन यह अपने मूल उद्देश्य में सफल उस समय नहीं हुआ। बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द कर दिया गया, 1911 में, जब जॉर्ज पंचम जो ब्रिटिश सम्राट थे, जॉर्ज पंचम भारत में आए हुए थे, तो उनके सम्मान में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, तीसरा दिल्ली दरबार 1911 में दिल्ली में। तो 1911 में जॉर्ज पंचम के समय बंगाल विभाजन को रद्द करके एक कर दिया गया, लेकिन बिहार उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया था, बिहार को और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया था, और जो पूरा बंगाल, जो पश्चिम बंगाल और पूरी बंगाल, ये पूरा एक कर दिया गया था। यानी बंगाल विभाजन रद्द हुआ 1911 में जॉर्ज पंचम के समय, वाइस रहते लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। याद रखना आपको एक बात, ध्यान रखना बच्चों, ये क्वेश्चन केबीसी में आया था। भाषा के आधार पर बना भारत का पहला राज्य, उसमें आंध्र प्रदेश ऑप्शन में नहीं था, उसमें था मद्रास, कर्नाटक, उड़ीसा, बिहार। उड़ीसा है 1936 में भारत में 11 राज्य थे। इन 11 जो प्रांत बनाए गए थे, इन्हीं में से एक प्रांत था बच्चों उड़ीसा। कौन सा? उड़ीसा।
यह बना था उड़िया भाषा के आधार पर। किस भाषा के? उड़िया भाषा के आधार पर बना था, उड़ीसा। तो छत्तीस में उड़ीसा बना था, याद रखेगा। खैर चलिए, तो ये तो आपका स्वदेशी आंदोलन। अब जो ये क्या नाम, कांग्रेस विभाजन हो गया, तिलक, बाल गंगाधर तिलक जी ने भारत का बेताज बादशाह कहते हैं, लोकमान्य कहते हैं इनको, 1907-8 में 14 वर्ष की जेल में भेज देगा, मांडले जेल भेजा गया। मांडले पड़ता है बर्मा में, म्यांमार में, मांडले जेल भेज दिया गया। गरम पंथियों की राजनीति समाप्त हो गई। विपिन चंद्र पाल ने संन्यास ले लिया, अरविंद घोष ने मद्रास के पास ओरे विले आश्रम की स्थापना करी और गीत और गीता जैसी पुस्तकों पर टिप्पणी लिखने लगे, यानी योगी हो गए। लाला राजपत राय सामाजिक कार्यों में लग गए। निरंपंथी समाप्त हो गए, कोई वो सक्रिय नहीं रहे। अब इसी दौरान 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया। महात्मा गांधी जो थे वो साउथ अफ्रीका में थे। महात्मा गांधी 1893 में अपने दोस्त अब्दुल्ला के कहने पर उसका मुकदमा लड़ने साउथ अफ्रीका चले गए थे, और वहीं पर उन्होंने साउथ अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम और टोलस्टॉय फार्म की स्थापना करी और इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र निकाला। किसने? महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में, इंडियन ओपिनियन। साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी ने 1909 में स्वराज नामक पुस्तक लिखी थी गुजराती भाषा में। किसमें? गुजराती में। 1909 में स्वराज पुस्तक, कहां पर? साउथ अफ्रीका में। और इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र निकाला था अफ्रीका में। बड़े लोकप्रिय थे, जैसे कि कभी यहां 2014 में मोदी जी लोकप्रिय हुए थे कि मोदी जी आएंगे, देश का कायाकल्प कर देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो यही लोकप्रियता उस समय महात्मा गांधी की थी। जब तो वो महात्मा नहीं थे, वो केवल गांधी जी थे। गोपाल कृष्ण गोखले उनसे मिलने साउथ अफ्रीका गए थे, भारत आने का निमंत्रण देने के लिए। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, और गोखले को तिलक और गांधी के बीच का सेतु भी कहते हैं। किसको? गोपाल कृष्ण गोखले को। एक तरफ तिलक और एक तरफ गांधी, दोनों विचारधाराओं के बीच का जो सेतु था वो गोपाल कृष्ण गोखले था। उनके कहने पर महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत में आए, इसलिए 9 जनवरी को हम मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। भारत में आने के बाद गांधी जी ने तुरंत कांग्रेस का नेतृत्व नहीं लिया, जबकि कांग्रेस तैयार थी कि महात्मा गांधी किसी तरीके से हमारा नेतृत्व संभाल ले। इन गांधी ने मना कर दिया कि नहीं, मैं चांदी की चम्मच लेकर पैदा नहीं हुआ, जब तक भारत की नब्ज को नहीं पहचानूंगा, यहां की नब्ज को नहीं जानूंगा, जब तक कांग्रेस का नेतृत्व नहीं करूंगा। बच्चों, गांधी की आलोचना करने वाले, गांधी के बारे में उल्टा सीधे लिखने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन गांधी की आलोचना दो ही तरह के लोग करते हैं, जो मैं हमेशा कहता हूं। पहले वो लोग हैं जो गांधी से भी ज्यादा जानते हैं, यानी जिनकी विचारधारा गांधी से भी बड़ी है, वो लोग हैं। दूसरे वो लोग हैं जो गांधी जी के बारे में कुछ नहीं जानते, कहते कि बूढ़े ने नाश करवा दिया, बूढ़े ने ये कर दिया, बूढ़े ने वो कर दिया। अरे नहीं, तुम्हारे इतिहास की कितने समझ है पहले ये तो पता ही है। क्या जानते हैं इतिहास, क्या होता है इतिहास, पूछे उनसे जो आलोचना कर रहे हैं। गांधी जी ने तो देश को वो दिया है जो 100 व्यक्ति भी मिलकर नहीं दे सकते थे उस समय के, वो गांधी ने दिया है। गटर से गंदगी खींच कर लाए हैं गांधी जी। जिन दलितों को गांव में प्रवेश करने के लिए ड्रम बजाना पड़ता था, उन दलितों को मंदिर में प्रवेश दिलवाया, कुओं से पानी भरना सिखाया, समाज में हरिजन का नाम दिया। तो इस तरह की बहुत सारी बातें गांधी के बारे में अभी बात करेंगे।
तो महात्मा गांधी भारत में आके 9 जनवरी 1915 को, दो साल पूरा 15-16 घूमे फिरे, कोई समस्या नहीं, पैदल घूमे, कहीं ट्रेन से, कहीं बैलगाड़ी से, कई लाख किलोमीटर की यात्रा तय करी। नब्ज को समझा, और नब्ज ये थी भारतीयों की, मैं आपको बता दूं कि हम विरोध तो करते हैं पर कुछ करना नहीं चाहते। हम ये कहेंगे ये कर दे, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा हो गया, आप क्या करेंगे? हम लोग बहुल संस्कृतिवादी लोग हैं। महात्मा गांधी ने वास्तव में सिखाया किसे आजादी कहते हैं, आजादी कैसे मिलती है। आप लोग गुलाम हो और आप आजाद हो सकते हो। तो आजादी लड़ने के प्रति लोगों को जागरूक किया, वरना तो हमने तो गुलामी को अपनी नियति मान लिया था, अपना भाग्य मान लिया था। उस गुलामी से बाहर आने का तरीका महात्मा गांधी ने बताया। आज अगर आप कोई आंदोलन करते हैं, कोई विरोध करते हैं, कोई धरना देते हैं, दिखाइए 1000 लोगों को जुटाकर। आज तो फेसबुक है, मैसेज है, तमाम चीजें हैं, क्या नहीं कर सकते आप। अगर पहले दिन 1000 हैं तो एक हफ्ते बाद 20 ही मिलेंगे। तो ये कहने मतलब कि उस समय बिना फोन के, बिना संचार साधनों के लाखों लोग केवल गांधी जी के कहने पर सड़कों पे आ जाया करते थे। तो वो कोई साधारण आदमी नहीं था। आइंस्टीन का तो नाम सुना होगा आप लोगों ने, उस तो आप दिमागदार मानते हैं और ये कहते हैं कि हाँ जी सबसे ज्यादा इस्तेमाल आइंस्टीन ने अपने दिमाग का किया है। तो उसी आइंस्टीन ने यह कहा था कि आने वाली पीढ़ियां इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे, अखाड़ मास का एक ऐसा पुतला रहा होगा, विश्वास करेंगे नहीं। एक 40 किलो का आदमी, 45 किलो का आदमी उस साम्राज्य से टकराया, उस ब्रिटिश एम्पायर से टकराया जिसका सूरज कभी छिपता नहीं था। इसलिए आइंस्टीन ने ऐसा कहा था। खैर, महात्मा गांधी भारत में आए, दो साल घूमे फिरे, अध्ययन किया और लोगों में जागरूकता फैलाई। इसी दौरान जब वो लखनऊ में अधिवेशन हो रहा था 16 वाला, उन्हें तो 16 का, तो लखनऊ अधिवेशन में 16 जिसे हम लखनऊ समझौता भी बोलते हैं, जहां पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक हो गई थी, जिसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे, वहां पर गांधी जी गए हुए थे। गांधी जी को निमंत्रण दिया राजकुमार शुक्ल ने कि आप आइए बिहार के चंपारण में, और वहां पर जो नील खेती है वो किसान परेशान है, उनके लिए कुछ करिए। तो महात्मा गांधी राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर मार्च 1917 में बिहार के चंपारण में पहुंचे और तीन कटिया प्रणाली यानी 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। किसकी नील खेती करना अनिवार्य था? तो इसके लिए वहां आंदोलन किया। एनजी रंगा ने इस आंदोलन का नेतृत्व, चंपारण का नेतृत्व किया था। गांधी जी ने जब वहां पर धरना दिया, सत्याग्रह का पहला प्रयोग यहां पर किया चंपारण में, तो ब्रिटिश सरकार की चूल्हे हिल गई और तुरंत वो आया, एक नील आयोग बना और धीरे धीरे नीली खेती भारत से बंद करवा दी गई। इसी से प्रभावित होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी और महात्मा गांधी ने टैगोर साहब को गुरुदेव की उपाधि दी। ये वही रविंद्रनाथ टैगोर हैं जिन्हें 1911 में या 12 में कब था ना जो नोबेल पुरस्कार मिला भारत को। नोबेल पुरस्कार मिलने के बाद रविंद्रनाथ टैगोर का जो व्यवहार था ब्रिटिश के प्रति वो बदल गया, और वही व्यक्ति जो 1905 में स्वदेशी आंदोलन के दौरान कहते हैं होले जलाओ विदेशी वस्त्रों की, वही ऐसे आंदोलन के दौरान ये कहता है कि विदेशी वस्त्रों की होली जलाना निष्ठुर बर्बादी है, कुछ होने वाला नहीं है इससे, वही टैगोर साहब ये कहते हैं। तो नोबल के बाद कहीं ना कहीं टैगोर जी का एक थोड़ा सा उसमें बदलाव आया, ऐसा इतिहास परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है। तो ये चंपारण हुआ पहला सत्याग्रह। विरोध किसने किया था? एनजी रंगा ने विरोध किया था। एनजी रंगा एक किसान नेता थे भारत के। दूसरा हुआ फिर आपका जानते हैं आप, अहमदाबाद मिल हड़ताल हुई प्लेग बोनस के लिए 1918 में,
खेड़ा सत्याग्रह हुआ, खेड़ा सत्याग्रह लगान वृद्धि के विरोध में, तीनों बातें हंगना, चंपारण पहला सत्याग्रह, तीन कटिया प्रणाली निकलो नीली खेती के विरोध में, दूसरा अहमदाबाद प्लेग बोनस के लिए मिल हड़ताल, जहां पर महात्मा गांधी ने पहला ट्रस्टीशिप सिद्धांत दिया था, उसके बाद तीसरा खेड़ा लगान वृद्धि के विरोध में, ये तीनों के नेता जो थे महात्मा गांधी थे। लास्ट के दो फरवरी मार्च 1918 के हैं और चंपारण 1917 का है। 1915 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कर ली थी अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान महात्मा गांधी ने भारतीय युवाओं को सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। इसी बात से प्रसन्न होकर अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को दो उपाधि दी, भर्ती करने वाला सर्जेंट और कैसर ए हिंद, ये दो उपाधियां दी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान। 1919 में वर्साय की संधि के बाद जैसी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त होता है तो ब्रिटिश सरकार भारत में एक कानून बनाती है, रोलेट एक्ट। हेनरी रोलेट एक अधिकारी थे, उन्होंने ये बिल बनाया था, उसी के नाम पर नाम रखा रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट जो था बच्चों ध्यान रखना, रोलेट एक्ट, रोलेट एक्ट 1919 का है। इसे बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून कहते हैं। कारण क्या था? रोलेट एक्ट के माध्यम से तो क्रांतिकारी गतिविधियां हुई थी। इस दौरान लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था, किंग्सफोर्ड पर जो बम बिहार में हुआ था, और कई जैसे कदर पार्टी बनी सैन फ्रांसिस्को में, राजा महेंद्र प्रताप ने अफगानिस्तान में 1915 में स्वतंत्र सरकार की स्थापना करी, स्वतंत्र सरकार की अफगानिस्तान में। ये सब बातें को लेकर एक कानून बनाया रोलेट एक्ट, कि जिसके ऊपर रोलेट एक्ट लगाया जाएगा उसे अपना वकील करने का अधिकार नहीं है, उसे कहीं भी अपील करने का अधिकार नहीं है, उसे कोई भी अपना पक्ष यानी दलील देने का अधिकार नहीं। महात्मा गांधी ने रोलेट एक्ट के बाद ही अंग्रेजों को शैतान की संज्ञा दी। क्या कहा? कि अंग्रेज तो वास्तव में शैतान है। ऐसा कानून बना दिया, कोई अपील ही नहीं कर सकता। यह है तो कब का रोलेट एक्ट के विरोध में, क्या कहा? ये शैतान है। क्या है ये? शैतान है भारतीय, तो अंग्रेज तो, ये महात्मा गांधी ने कहा। ठीक है, तो रोलेट एक्ट हुआ। रोलेट एक्ट जो के तहत दो लोग गिरफ्तार किए गए, एक डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और दूसरे थे डॉक्टर सत्यपाल, ये दो लोग गिरफ्तार कर लिए गए रोलेट एक्ट के तहत 1919 में। इन्हीं के विरोध में महात्मा गांधी दिल्ली आए हुए थे, लेकिन इनके विरोध में जलियांवाला बाग जो पड़ता अमृतसर में, वहां पर एक भीड़ इकट्ठी हुई जो अपनी रैली कर रही थी। उस जलियांवाला बाग पर 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने बिना चेतावनी दिए, बिना कुछ बताए, बिना किसी कानून के गोली चला दी, जहां बहुत सारे लोग शहीद हो गए। उसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसके बाद कांग्रेस का रुख अंग्रेजों के प्रति बिल्कुल बिगड़ गया। कुछ लोग उसमें कांग्रेस के, यानी कांग्रेस कुछ लोग ऐसे थे जो ब्रिटिश सरकार के पक्षधर थे। अभी तक हमने स्वराज की बात करी, स्वदेशी की बात करी, स्वतंत्रता की बात नहीं हम लोग कर रहे हैं। ये चाहते थे भारतीय लोग कि हम लोग ब्रिटेन के तहत ही डोमिनियन स्टेट, स्वशासन अधिराज्य का दर्जा प्राप्त कर ले, कुछ बड़े अधिकार ब्रिटिश के पास बने रहे और कुछ बाकी अधिकार भारतीयों को मिल जाए। यानी एक प्रकार से ना हम लोग इतने कॉन्फिडेंस वाले नहीं थे कि हम आजादी की मांग करें, नहीं हमको तो आजादी चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। ये तब हुआ जब जनता के अंदर से खुद आवाज आई, अक नहीं अब हमें चाहिए आजादी। ये थी स्थिति। तो खैर, ये दो लोगों के विरोध में हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल को, उससे पहले रोलेट एक्ट था, उसके विरोध में शैतान की संज्ञा दी थी महात्मा गांधी जी ने, ये हुआ। इसके बाद फिर क्या होता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड तो हो गया, अब घटना के बाद क्या होता है? जांच समिति बनती है, दो जांच समिति बनी, एक हंटर आयोग, हंटर आयोग नहीं है ना बच्चों,
हंटर कमिटी बनी, हंटर समिति 1919 में ही। हंटर आयोग की बात करता है तो हंटर आयोग था 1882 का शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए। ये किसके लिए है? ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए। इसमें तीन भारतीय थे, एक सीतलवाड़ थे, एक महमूद करके थे और एक राजनारायण थे। ये लोग इस समिति में थे। एक बनी तहकीकात कमेटी, तह की कात समिति बनी, एक तहकीकात समिति। इसके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय। बाकी सदस्य में जो थे महात्मा गांधी भी थे मेंबरों में, अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन मालवीय। हंटर कमिटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी और कहा कि इसमें जनरल डायर की कोई गलती नहीं है, कि वो जो हो रही थी रैली उसकी कोई आज्ञा नहीं ली गई थी और डायर ने सबको चेतावनी दी और सबको बका के बाहर निकल जाओ, जब नहीं निकले तो बेकाबू भीड़ पर गोली चला दी गई। वो तो अंग्रेज थे, वो तो लिपापोती करते ही। इसी जनरल डायर को जब वो इंग्लैंड में गया तो उसे ब्रिटिश का शेर कहा गया और इसी शेर को 1944 में उधम सिंह ने वहीं ठोक दिया जाके, ले देखो शेर तुम्हारा, हम मार रहे हैं शेर को, बिगाड़ लो हमारे शेर, क्या करोगे हमारा। तो ये था आपका जो तहकीकात कमेटी थी, इसने अपनी रिपोर्ट दी। ये भारतीय सब थे इसमें, इसमें कोई अंग्रेज नहीं था। इसने आपने से क्या कहा होगा? कहा कि नहीं, ये गलती अंग्रेजों की थी और वास्तव में जो इसने सही बात थी इसने वही बताई। ठीक ना, दो कमेटी आप याद रखो, हंटर और तहकीकात कमेटी। अब इसके बाद क्या है, 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ था? लखनऊ में हुआ था। अध्यक्ष अंबिकाचरण मजूमदार थे। मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक हो गए थे। मुस्लिम लीग एक पार्टी थी जिसकी स्थापना 1906 में ढाका में हुई थी। सलीमुल्ला खां बंगाल के नवाब थे, उन्होंने इसकी स्थापना करी थी। आगा खां इसके पहले अध्यक्ष थे। मुस्लिम लीग की स्थापना के पीछे ब्रिटिश का दिमाग था कि कांग्रेस के पैरेलल एक मुसलमानों की अलग से पार्टी बना दी जाए। लेकिन प्रारंभ में जो मुसलमान थे वो कांग्रेस में भी इतने ही थे और मुस्लिम लीग में भी इतने ही थे। एनी बेसेंट और तिलक के प्रयासों से, तिलक जेल से आ गए थे 1915 में, आने के बाद तिलक ने होम रूल लीग सोसाइटी की स्थापना करी थी और सक्रिय राजनीति में आ गए थे। तिलक और एनी बेसेंट, 1916 का जो इतिहास है, जो 16 का जो सन है, 1917 का जो सन है, वो तिलक और एनी बेसेंट का काल था वास्तव में, दो साल जो थे। होम रूल लीग आंदोलन जो कि हमने आयरलैंड से लिया था, तिलक ने सबसे पहले, एनी बेसेंट ने अप्रैल में होम रूल लीग पार्टी की स्थापना करी थी। इसके अलावा पता है स्वशासन वो चलाया। उसके बाद अगस्त में या सितंबर में होम रूल लीग सोसाइटी की स्थापना करी थी तिलक ने। 16-17 में पूरे लोकप्रिय थे। इन्हीं के प्रयासों से कांग्रेस और मुस्लिम लीग 1916 में एक हो गए थे लखनऊ में। इसे बोलते हैं लखनऊ पैक्ट, लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता। ठीक ना, इसका विरोध मदन मोहन मालवीय ने किया था। मदन मोहन मालवीय 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना करने वाले व्यक्ति थे। हरिद्वार में कुंभ मेले के दौरान 1915 में मदन मोहन मालवीय ने हिंदू महासभा की स्थापना करी थी और इन्हीं के प्रयासों, आप जानते हो बीएचयू की स्थापना होती, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी, पहले कॉलेज था बाद में यूनिवर्सिटी बना। कॉलेज की स्थापना एनी बेसेंट ने करी थी और जो विश्वविद्यालय बनाया वो मदन मोहन मालवीय ने बनाया था, ये आपको याद रखना है। 1916 में हुआ अधिवेशन, 17 में अधिवेशन इसका कांग्रेस कलकत्ता में हुआ। अध्यक्ष बनी एनी बेसेंट 1917 में, कहां हुआ? कलकत्ता में हुआ। अध्यक्ष बनी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो थी ध्यानना, वो आयरलैंड की महिला थी और एक कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, पहली महिला अध्यक्ष, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष जो बोला जाएगा वो सरोजिनी नायडू है 1925 की कानपुर में। पहली अंग्रेज अध्यक्ष अगर पूछे हैं तो वो है नेल्ली सेन गुप्ता, नेल्ली सेन गुप्ता, ये पहली अंग्रेज अध्यक्ष है। ये अंग्रेज थी, ये कौन थी? अंग्रेज है ना बच्चों, ये अंग्रेज थी। ये कौन थी? ये अंग्रेज थी, नेल्ली सेन गुप्ता। इसकी, इसका नाम था नेल्ली ग्रे, यतिंद्र
सेन गुप्ता से इसकी शादी हुई थी, तो भारतीय शादी होने की वजह से इसका नाम नीली सेन गुप्ता पड़ गया था। ये आयरलैंड की थी, अंग्रेज नहीं थी, पहली महिला अध्यक्ष थी 1917 में कलकत्ता में। ठीक, चलिए 1919 में बाल गंगाधर तिलक अपना मुकदमा लड़ने के लिए इंग्लैंड चले गए। मुकदमा क्या था आप जानते हैं, भारत में अशांति का जन्मदाता आर्य समाज और तिलक दोनों को बोला गया। एक जॉन डिग्बी, जॉन डिग्बी था, कौन था उसका नाम, डिग्बी था नाम था उसका, धानी अमेरिका का नाम था उसका, उसने भारतीय आर्य समाज को और तिलक को दोनों को अशांति का जन्मदाता कहा। अशांति का जन्मदाता इसलिए कहा इनको कि आर्य समाज ने स्वदेशी स्वराज की, स्वराष्ट्र की बात करी, यही बात तिलक करते थे। तो जो स्वराज की बात, स्वराष्ट्र की बात करेगा, भारतीय को एक करने की बात करेगा, वो तो दुश्मन हो गए अंग्रेजों का, है नहीं। तो इसको कहा गया अशांति का जन्मदाता। तो तिलक ने मारने का दावा कर दिया, वेरेंटाइल सिरोल उसका नाम था, कब याद आ गया, वे लेन टाइन सिरोल, वेरेंटाइल सिरोल, इसने एक व्यक्ति था, इसने आर्य समाज और तिलक, किसको, तिलक को, इन दोनों को, किसने, वेरेंटाइन सिरोल ने इन दोनों को भारत में अशांति का जन्मदाता कहा। तिलक ने कहा कि मैं जन्मदाता नहीं उसका, मैं तो राष्ट्र भावना का जन्मदाता हूं। तो इसका मुकदमा लड़ने के लिए, इस पर मारने का केस किया, इंग्लैंड चले गए, ठीक ना। 1 अगस्त 1920 को तिलक की मृत्यु होगी, तिलक की मृत्यु, और इसी दिन से भारत में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। हुआ क्या था, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद कांग्रेस एक निर्णायक आंदोलन के पक्ष में थी और महात्मा गांधी को पूर्णतः कांग्रेस को सौंप देना चाहती थी। अब कांग्रेस और महात्मा गांधी एक हो जाओ, महात्मा गांधी ने कांग्रेस का नेतृत्व संभाल लिया 1919 में और अपने तरीके से कहा कि आप, आपको पूरी आजादी है और आप करो। महात्मा गांधी ने सबसे पहला काम किया, भाषा के आधार पर कांग्रेस की समितियों का गठन किया कि प्रत्येक क्षेत्र में कांग्रेस की समितियां बनाई जाए भाषा के आधार पर, और उसके जो मेंबर बने कांग्रेस का उसका एक पैसा या कितना, 5 पैसे कितना था उसका, एक मेंबरशिप का दाम रखा गया ताकि जब व्यक्ति कुछ पैसा देकर मेंबर बनता है तो वो उसके प्रति जागरूक रहता है, सचेत रहता है, उसके प्रति वफादार रहता है, भाई मैंने पैसे दे रखे, है ना। जब आप कहीं बिना पैसे देकर पढ़ते हो तो वहां बढ़िया अच्छी तरीके से पढ़ते हो, भाई मैंने पैसे दे रखे, अब हम फ्री में पढ़ा रहे हैं तो बोले अरे कुछ नहीं है, मजा नहीं आ रहा, पर अगर आपने यही पैसे दिए होते तो वाह भाई वाह, मजा आ गया, है ना। तो पैसा देना और ना देने में यह फर्क होता है, ये बात गांधी जी ने समझी और कुछ पैसे तय करके क्योंकि कांग्रेस की मेंबरशिप लो और जनता के बीच जाओ। तो महात्मा गांधी के आने पर ही कांग्रेस वास्तव में जन कांग्रेस बनी और महात्मा गांधी ने कहा कि 1 अगस्त 1920 को हम असहयोग आंदोलन की शुरुआत करेंगे और इस असहयोग आंदोलन, कौन सा आंदोलन, असहयोग आंदोलन की शुरुआत करेंगे। और महात्मा गांधी ने कहा कि यदि पूरा असहयोग किया गया तो हमें 1 वर्ष के अंदर ही स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी। कितने वर्ष में, 1 वर्ष के दौरान किसकी प्राप्ति, स्वराज, स्वतंत्रता की नहीं, स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी। 1 अगस्त को मृत्यु की तिलक की, तो तिलक फंड बनाया कांग्रेस ने, उस फंड में कुछ समय में बताया जाता है उस समय 200 करोड़ रुपया हो गया था, यानी ये जो अंशदान दिया गया जनता के द्वारा ये कहीं ना कहीं जनता और कांग्रेस का जुड़ाव दिखा रहा था। इसीलिए आम जन की भागीदारी कांग्रेस में करने वाला व्यक्ति गांधी था। गांधी से पहले कांग्रेस केवल पत्रकारों की, वकीलों की और जो बड़े सामाजिक कार्यकर्ता थे उन्हीं की पार्टी थी, आम जन की पार्टी बनी महात्मा गांधी के आने के बाद। तो 1 अगस्त 1920 को, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी गई। इसी आंदोलन दौरान बहुत सारे लोगों ने अपनी उपाधि त्यागी, महात्मा गांधी ने अपनी उपाधि इसी आंदोलन के दौरान त्यागी थी।
जबकि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद त्यागी थी। महात्मा गांधी ने अपनी कैसर हिंद की उपाधि इस आंदोलन के दौरान त्यागी थी। असहयोग का मतलब यह था कि कोई भी भारतीय नागरिक अंग्रेजों के साथ कोई सहयोग नहीं करेगा, यानी जो मोची है, धोबी है, लुहार है, सुनार है, किसान है, व्यापारी है, जो भी अंग्रेजों को लाभ पहुंचा रहा है किसी प्रकार का, वो कोई सहयोग ना करे। अंग्रेज परेशान होंगे, तंग होंगे और हमें स्वराज की बात करेंगे। स्वराज का मतलब है कि भारतीय को शासन में शामिल करेंगे। ये बात 1 अगस्त 1920 को थी। बड़े जोर पर आंदोलन शुरुआत थी, बहुत सफल आंदोलन चल रहा था पूरे भारत में, बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा ले रहे थे, आम जन बाहर निकला था और महात्मा गांधी के नेतृत्व में बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था। इतना बड़ा आंदोलन चल रहा था कि जनवरी 1922 में यह निर्णय लिया गया कि 12 फरवरी 1922 से बारदोली से असहयोग आंदोलन की एक वो अवर्तमान से सविनय अवज्ञा आंदोलन की सविनय अवज्ञा अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर देंगे 12 फरवरी को। कब? 12 फरवरी 1922 को बारदोली से। लेकिन इससे पहले 4 है 1922 को गोरखपुर में चोरी चोरा में एक हत्याकांड हो गया। एक जेल एक पुलिस थाने पर कुछ क्रांति आंदोलनकारियों ने हल्ला बोल दिया, उसमें आग लगा दी और वहां पर 23 लोग मारे गए। कितने लोग? 23 लोग चोरा चोरी में। चोरा चोरी कांड के बाद महात्मा गांधी बड़े दुखी हुए और उन्होंने आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर दी। यह आंदोलन उस समय बच्चों अपनी पीक पर था, अपने चरम बिंदु पर था। तभी महात्मा गांधी ने 4 फरवरी को ही आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर दी। बड़ा लोगों ने विरोध किया, महात्मा गांधी कुछ नहीं हुए, बूढ़ा हो गया, सटिया गया है, कुछ बस में नहीं रहा है। एक व्यक्ति ने अपराध किया मद्रास में, सजा मिली हिमाचल वाले को, ऐसा कैसे हो सकता है? अपराध हुआ गोरखपुर में और जो साउथ में चल रहा है उसको तो मतलब नहीं है। तो महात्मा गांधी ने कहा कि कोई भी जन आंदोलन बहुत लंबा नहीं चल सकता, उसमें ठहराव की आवश्यकता होती है, दोबारा से ऊर्जा फूकनी पड़ती है। और ये अभी दिखाया था किसान आंदोलन ने, देखिए आप किसान आंदोलन का प्रारूप क्या था, जन आंदोलन था, वास्तव में पूरा जन आंदोलन तो था नहीं, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी संख्या में आम लोग शामिल थे। लगभग पुलिस ने कुचल दिया था आंदोलन। जैसे ही राकेश टिकैत जी पर हमला हुआ और वो रोए, उस सहानुभूति का जो फैलाव हुआ, उस सहानुभूति से फिर एक बार आंदोलन को ऊर्जा मिल गई। सारे लोग पहुंच गए, किसान नेता और सब किसान दिल्ली में। तो किसी भी जन आंदोलन में ठहराव आता है, यह वही ठहराव था जो महात्मा गांधी ने लिया था, पर आम जन जो आम लोग उसको नहीं समझ सके, कुछ समय बाद समझ पाए। गांधी जी ने कहा कि चोरा चोरी केवल कांड नहीं है, इसका सहारा लेकर अंग्रेज पूरे भारत में नरसंहार मचा सकते हैं, हत्या कर सकते हैं, कुचल सकते हैं आंदोलन को इसका सहारा लेकर। और जो ऊर्जा भी लोगों में आई है, लड़ने जो प्रेरणा मिली है, वो खत्म हो जाएगी। ऐसी सोच महात्मा गांधी की थी। खैर ये हुआ तो वापस ले लेगा चोर चोर के बाद। अब गांधी जी का जो विरोधी थे उनमें सीआर दास, जिसे बोलते हैं देश बंधु सीआर दास, चित्रंजन दास जो कि सुभाष चंद्र बोस के गुरु थे, और मोतीलाल नेहरू ने 1 मार्च 1923 को इलाहाबाद के स्वराज भवन में स्वराज पार्टी की स्थापना करी। स्वराज पार्टी को परिवर्तनवादी भी कहते हैं।
इस पार्टी में बहुत सारे लोग थे, मोतीलाल नेहरू थे, चितरंजन दास थे, हकीम अजमल खान थे, विठल भाई पटेल थे, बहुत सारे लोग इसमें थे। अच्छा हाँ, एक पीछे क्वेश्चन रह गया, तिलक की जब मृत्यु होगी तो तिलक की मृत्यु को कंधा देने वाला मुस्लिम कौन था? शौकत अली, शौकत अली वो व्यक्ति था जिसने तिलक की अर्थी को कंधा दिया था। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछ चुका है शौकत अली के बारे में, ठीक है। चलिए वो तो बात होगी। तो समाज पार्टी स्थापना बनी हुई, इसे प्रवर्तनवादी कहा गया। इन्होंने कहा कि हम लोग जो केंद्रीय असेंबली है उसमें उसके चुनाव में भाग लेंगे और भाग लेने के बाद हम सरकार को कोई कार्य नहीं करने देंगे, सरकारी कार्यों में अड़ंगा लगाएंगे। क्या लगाएंगे? अड़ंगा। इसलिए इनकी नीति को अड़ंगा नीति भी कहा गया। किस नीति को? स्वराज पार्टी नीति। क्या बोला गया? अड़ंगा नीति। इन्होंने क्या काम किया कि जब एक चुनाव लड़े, लड़ने के बाद पहुंचे सेंट्रल असेंबली में, तो वहां पर ब्रिटिश सरकार जो भी विधेयक लेकर आती ये लोग उसको मना कर देते। विधेयक बहुमत से पास होना था, ये बहुमत में थे, ये पास होने थे उनको। तो गवर्नर ने यानी भारत के वायसराय ने विशेष अधिकार का प्रयोग करके बार बार विधेयक पास करना पड़ा। यानी एक प्रकार से इन्होंने सरकारी कार्यों में बाधा पहुंचाई जो इनका उद्देश्य था। इस बात को लेकर महात्मा गांधी और दास के बीच 1924 में गांधी दास पैक्ट हुआ था। गांधी दास पैक्ट महात्मा गांधी और चितरंजन दास के बीच था। चितरंजन दास ने कहा कि देखो गांधी जी, हम आपके बिना तो हम कुछ नहीं है, जीरो हैं, आप हमारी पार्टी को दे दो मान्यता प्रदान कर दो ताकि हम चुनाव लड़ सके। महात्मा गांधी, तुम चुनाव लड़ोगे तो तुम मंत्री पद भी लोगे, तुम कुछ अध्यक्ष बनोगे? अगर नहीं, हमारा वादा है हम कोई पद ग्रहण नहीं करेंगे। अगर तो गांधी आगे, अगर तुम पद ग्रहण नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, तुम भाग लो। और महात्मा गांधी लग गए रचनात्मक कार्यों में, जैसे मंदिर में प्रवेश कराना हो, गुरुद्वारे, जो अकाली आंदोलन था 1922-27 तक चला, अकाली आंदोलन 22 से 27 तक चला, उसका उद्देश्य गुरुद्वारे को महंतों के चंगुल से छुड़वाना। वायकोम सत्याग्रह केरल में चला, दलितों का मंदिर प्रवेश के लिए चला। तो इन सब बातों को, ये सब कार्य थे रचनात्मक कार्य है। तो महात्मा गांधी इनमें लग गए और कहा कि ठीक है तुम लोग करो, हम लोग अभी समाज के बीच काम करेंगे और तुम लोग सरकार के बीच स्तर पर काम करो। ये बात चलती रही। 1924 में कर्नाटक के बेलगांव में अधिवेशन हुआ कांग्रेस का और महात्मा गांधी उसके अध्यक्ष बने। महात्मा गांधी एक ही बार अध्यक्ष थे कांग्रेस के बेलगांव में 1924 में। 1924 में कहां पर? बेलगांव। ना बेलगांव कोई गांव नहीं है। मैंने पूछा बच्चे से कि बताइए कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां हुआ था गांव में? अगजी बेलगांव में। अरे भाई नहीं, बेलगांव कोई गांव नहीं था। पहला अधिवेशन गांव में बंगाल में होता, फैजपुर में। फैजपुर एक गांव पड़ता है था उसमें, आप तो कस्बा होगा फैजपुर। तो 1936 में, शायद 36 में, बंगाल के फैजपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष जो थे बच्चों वो थे कुछ और, मैं करना कुछ देखा। तो 36 में हुआ था अधिवेशन, ये वो पहला गांव में हुआ था, ये गांव में नहीं था, ये शहर में था। तो महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष थे। 1925 में कानपुर में हुआ। कहां हुआ? कानपुर में। उसके अध्यक्ष थे सरोजनी नायडू, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू कानपुर में थी अध्यक्ष। अच्छा, सैमन आयोग आया, आप जानते हैं सैमन आयोग क्या था? एक्चुअली 1919 में जो मॉन्टेग्यू घोषणा हुई थी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड बोलते हैं इसको, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 में सुधार था। इसमें यह तय था, पहले से इसमें विधान था, प्रावधान कि 10 साल के बाद इस कानून की समीक्षा करने के लिए एक आयोग बैठाया जाएगा। तो सैमन आयोग इसीलिए आया था, वास्तव में यह 1929 में आना था, बनना था 1929 के लास्ट में आना था, लेकिन इंग्लैंड में चुनाव होने की वजह से इसका गठन है ना, अगर पूछे सामान्य का गठन कब हुआ, तो गठन 1927 में हुआ था। भारत में कब आया?
तो फेब यानी फरवरी 1928 में आया। कितने मेंबर थे? 7 मेंबर थे। कोई कितने भारतीय थे? कोई भारतीय नहीं था। अन्य नाम क्या था? श्वेत आयोग। श्वेत आयोग, श्वेत से ध्यान आया। अगर कभी पूछता है भारत का पहला श्वेत विद्रोह कब हुआ था, तो श्वेत विद्रोह लॉर्ड क्लाइव के समय हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव के समय, 1765 में 66 में। वो भारत का पहला सैनिक विद्रोह भी है। ब्रिटिश सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था रॉबर्ट क्लाइव के समय, क्लाइव के समय। दूसरा श्वेत विद्रोह 1882 का है। वो थे आपके भारत के सबसे लोकप्रिय वायसराय। कौन थे? डफरिन से पहले वाले लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ये भारत के सबसे लोकप्रिय वायसराय हैं। लॉर्ड रिपन, इन्होंने कानून बनाया था। उस कानून में ये कहा इन्होंने कि कोई भी जज, चाहे भारतीय हो चाहे अंग्रेज हो, वो अंग्रेज का मुकदमा सुन सकता है। यानी भारतीय जज भी अंग्रेज के खिलाफ जो मुकदमे हैं वो सुन सकते हैं। अब जो अंग्रेज थे आगे, अच्छा अब ये काले हमारे भाग्य का निर्धारण करेंगे, हमें क्या सही है क्या गलत है, हमको ये काले बताएंगे, ये असभ्य लोग हमको बताएंगे। तो अंग्रेजों ने विद्रोह कर दिया, तो उसको बोला गया दूसरा श्वेत विद्रोह। 1764 में हुआ था, 65 में रॉबर्ट क्लाइव के समय। चलिए खैर, तो श्वेत आयोग का किसको? सैमन आयोग को। कोई भारतीय नहीं था, यही इसके विरोध का कारण था। सबसे पहला विरोध उसका बंबई में हुआ। कहां पर? बंबई में। उसके बाद ये पूरे भारत का विरोध हुआ। 28 में ही लाहौर में इसके विरोध के दौरान लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज हुआ और लाला लाजपत राय मारे गए। उसके कुछ समय के बाद तो मरे थे वो, लाठीचार्ज में घायल हो गए, घायल के बाद कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो लाला लाजपत राय मारे गए। अगला नंबर, कहां? वहां क्यों नहीं आज चला? ओके बाय। तो लाला लाजपत राय मारे गए। सैंडर्स, जो लॉर्ड सैंडर्स थे, पुलिस उप अधीक्षक थे, उन्हीं के आदेश पर ऐसा हुआ था ना, वो मारे गए थे। फिर उन सैंडर्स की हत्या भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु ने कर दी थी। सैमन आयोग का जब विरोध हुआ तो भारत सचिव थे एक, नाम था बर्कन हेड। ये कौन थे? ये भारत के सचिव थे, बर्कन हेड। इन्होंने कहा अच्छा तुम भारतीय विरोध तो बहुत करते हो हर चीज का, जरा अपना बना के देखो संविधान। बर्कन हेड सचिव थे भारत के, सचिव जो इंग्लैंड में बैठते थे। ताकि सैमन आयोग आपके लिए संविधान बनाने आया है, आपके यहां संविधान सुधार लेकर आएगा, आप इसका विरोध कर रहे हो, तो अपना सर्वसम्मति से एक संविधान बनाकर दिखाओ। बर्कन हेड ने चुनौती दी, कांग्रेस ने चुनौती स्वीकार कर ली। जब स्वीकार करेगी चुनौती, तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1928 में ही जून में कमिटी बना दी गई। अब जो कमिटी बनी इसमें 9 मेंबर थे, और उसको बोला गया नेहरू कमेटी। मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, इसमें कुल 9 मेंबर थे जिन्हें भी इसके सदस्य थे, और मोतीलाल नेहरू और पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये सब इसके मेंबर थे। नेहरू कमेटी ने 3 महीने में ही भारतीय संविधान की रूपरेखा बनाकर तैयार कर दी। अल्लो जी देखो बड़ा संविधान। अब जो संविधान नेहरू कमेटी ने बनाया, जब वो कांग्रेस के मंच पर आया तो कांग्रेस के लोगों ने ही उसका विरोध करना शुरू कर दिया। जिन्ना अलग हो गए, कहे नहीं मैं इस संविधान को नहीं मानता, जो बातें नेहरू में कमेटी थी, जबकि नेहरू कमेटी द्वारा सुझाई गई बहुत सारी बातें हमारे संविधान में बाद में शामिल करी गई, क्योंकि उस समय उसका विरोध किया गया था। जैसे एक बताऊं आपको मैं, भाषाई आधार पर राज्य का निर्माण, भाषा के आधार पर राज्य का
निर्माण, ये नेहरू कमेटी में थी बात। और बाद में आप जानते 1956 के बाद भारत में भाषा के आधार पर राज्य बनने लगे, लेकिन उस समय इस बात को नकार दिया गया 1928 में ही। दूसरी बात नेहरू कमेटी में तो थी डोमिनियन स्टेटस, अधिराज्य का दर्जा, अधिराज्य का दर्जा। इस बात को लेकर बहुत लोगों ने आपत्ति जताई, आपने पूर्ण स्वतंत्रता की बात क्यों नहीं करी। खैर कांग्रेस ने भाई उसके मेंबर ने बने तो कांग्रेस ने बाद में नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया, लेकिन एक बात क्या होगी, कांग्रेस सर्वसम्मति से कोई संविधान फिलहाल नहीं बना सकती। भारत में एक्चुअली इतनी विविधता वाले लोग हैं, आम सहमति बनाना किसी बात पर भी बहुत टेढ़ी खीर है। आज भी जब हम लोग इतने पढ़े लिखे हैं तब तो फिर बहुत मुश्किल था। खैर तो नेहरू घासीमा नायक का विरोध हुआ, नेहरू रिपोर्ट आ गई, पास होगी पर लागू नहीं हुई। इसी के बाद 1929 में आप जानते हैं लाहौर में कांग्रेस का 44वां कौन सा 44वां अधिवेशन हुआ, कांग्रेस का 44वां अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे पंडित नेहरू लाहौर में रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर। और पंडित नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने इसी अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण स्वराज्य, पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य रखा गया। किसमें? 1929 के लाहौर अधिवेशन में पंडित नेहरू ने पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव रखा रावी नदी के तट पर, और यहीं पर तिरंगा झंडा पहली बार लहराया। और यहीं पर निर्णय लगे, ये बात दिसंबर की है, कि हम लोग अगले साल से यानी 26 जनवरी 1931 से 29 से स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। क्या मनाएंगे? स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। कब से? 26 जनवरी 1930 से स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। इसीलिए हम 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे थे, पर हम स्वतंत्र हुए 15 अगस्त को, इसलिए उसके बाद 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाना बंद कर दिया गया। और जब संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, तो 2 महीने बाद उसको लागू किया गया 26 जनवरी को, और 26 जनवरी बन गया हमारा गणतंत्र दिवस। पहले क्या था? स्वतंत्रता दिवस था। तो ये लाहौर में बात हुई थी, अब लाहौर में पूर्ण स्वतंत्रता रक्षा रखा गया। और महात्मा गांधी ने चेतावनी दी, 1100 सूत्री मांग रखी अपनी, है ना। वो अगर पूछते 14 सूत्री मांग किसकी थी, तो जिन्ना की थी। किसकी? जिन्ना की। पूछे 11 सूत्री मांग किसकी थी, तो ये महात्मा गांधी की थी, गांधी की। इस मांग में था कि भाई जो नमक कर लगाया वो हटाओ, नमक से कर हटा दो, जो वन कानून है जो अपने वन कानून बना के वो हटाओ, जो सेना पर व्यय है वो कम करो, स्टर्लिंग और रुपए की जो अनुपात है वो घटाओ, इस तरह बहुत सारी बात इसमें शामिल थी। अगर 11 सूत्री मांग मान लो, अगर नहीं मानोगे तो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। लॉर्ड रीडिंग उसमें भारत के वायसराय थे, ने बात नहीं मानी, मत मानो क्या दिक्कत है। महात्मा गांधी जी ने कहा कि ठीक है, आप हमारी बात नहीं मानते ना, अब हम लोग करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत। किसकी? सविनय अवज्ञा यानी नमक सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह। इसको सविनय अवज्ञा भी बोलते हैं, सिविल नाफरमानी भी बोलते हैं, और दांडी मार्च भी बोलते हैं, दांडी मार्च। 12 मार्च की शुरुआत हुई थी 1930 को, 241 मील लंबी यात्रा तय करके 6 अप्रैल को 1930 को ही महात्मा गांधी जी ने नवसारी जिले के, किस जिले के? नवसारी जिले के दांडी नामक स्थान पर पहुंचकर, कहां पर? दांडी पहुंचकर नमक कानून
तोड़ दिया। किसने? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी जब चले थे यहां से, वो चले थे 12 मार्च को साबरमती आश्रम से, साबरमती आश्रम से, तो उनके साथ 78 सहयोगी थे। जब यहां पहुंचे तो वो हजारों लोग हो चुके थे। महात्मा गांधी के साथ इस आंदोलन में एक अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर, भी शामिल थे। दूसरी बात, नमक सत्याग्रह दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ एक अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर भी शामिल थे। अब ये तो नवसारी की बात, दांडी की बात, यहां पर महात्मा ने नमक कानून तोड़ दिया। बंबई के धरसाना में, बंबई के महाराष्ट्र में सरोजिनी नायडू और महात्मा गांधी के पुत्र मणिलाल ने नमक बनाया और नमक कानून तोड़ा। धरसाना के बारे में ही वेब मिलर ने लिखा है कि भारतीय महिलाओं पर कितना अत्याचार होता है और भारतीय महिलाओं की स्थिति कैसी है, उसके बारे में लिखने वाला पहला पत्रकार जो था उस समय का वो वेब मिलर था। सिराज गोपालाचार्य ने तमिलनाडु में, कहां पर? तमिलनाडु में। सिराज गोपालाचार्य ने तमिलनाडु में इसके विद्रोह का नेतृत्व किया। जहां जहां नमक बन सकता था वहां नमक बनाया गया। मध्य भारत में, जिसमें उत्तर प्रांत और मध्य प्रांत दोनों थे, मध्य भारत में वन कानून तोड़े गए। कौन से कानून? वन कानून तोड़े गए। एक डाकू मंगल सिंह थे, वो बहुत फेमस रहे इस दौरान मध्य प्रदेश में नमक कानून तोड़ने में, डाकू मंगल सिंह। अफगानिस्तान में खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसको सीमांत गांधी बोलते हैं, सीमांत गांधी जिन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था, सीमांत गांधी ने, पख्तून खा भी बोलते हैं उनको अफगानिस्तान में, उन्होंने वहां पर स्थानीय कानून तोड़े। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही बच्चों लड़कियों ने, जो लड़के थी स्कूलों की, उन्होंने एक मंजरी सेना बनाई थी, एक मंजरी सेना, और वानर सेना। कौन सी? मंजरी और वानर सेना। ये स्कूल की लड़कियां थी जो मंजरी और वानर सेना लेकर चलती थी। मतलब इसमें कुछ नहीं, मंडले खट्टी हुई, वंदे मातरम, जय हिंद की राय लगाते चले गए, अंग्रेजों को गाली देते चले गए, गाली का मतलब था कि उनका विरोध करते चले गए। तो मंजरी सेना और वानर सेना से संबंध जो है वो नमक सत्याग्रह से है। ये बात 1930 की है। पूरा सभा पर था आंदोलन, नमक सत्याग्रह पूरे भारत में आंदोलन चल रहा था। इसी दौरान सहमान आयोग ने ब्रिटिश संसद को अपनी रिपोर्ट सौंप दी, सहमान आयोग ने। ब्रिटिश संसद ने आगे, ठीक है, हम भारतीयों के लिए एक ऐसा कानून बनाएंगे जो सबके लिए मान्य हो। चर्चा हुई और 1930 में, सेंट जेम्स पैलेस लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930, दूसरा 31 और तीसरा 32 में, तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम थे और प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे। सेंट जेम्स पैलेस में सम्मेलन हुए थे तीनों। पहले में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, लेकिन जब वहां पर अंबेडकर साहब और बाकी लोग पहुंचे तो ब्रिटिश सम्राट ने कहा कि भाई ये तो बात सही नहीं है, जब तक कांग्रेस नहीं आएगी तो हम सर्वसम्मति कैसे कहेंगे। हमने कोई कानून बनाया और भेज दिया, हमने मान लिया। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, लोग ज्यादा जुड़े हुए हैं उससे, वो विरोध करेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो इस बात का उन्होंने संज्ञान में लिया और कांग्रेस को कहा, उसको कहा, भारत में भेजा नया वायसराय लॉर्ड इरविन। कौन भेजे? लॉर्ड इरविन भेजे। जब लॉर्ड इरविन भारत में आए तो उनका काम था महात्मा गांधी से बात करें। तो महात्मा गांधी से बात करने के लॉर्ड इरविन को अधिकृत किया गया। दिल्ली में महात्मा गांधी और इरविन बैठे, बातचीत हुई। उसे बोला दिल्ली पैक्ट, ये 5 मार्च 1931 का है। दिल्ली पैक्ट के अनुसार महात्मा गांधी जो 11 सूत्री मांग थी वो मान ली गई और गांधी ने भी यह मान लिया, ठीक है इरविन साहब आप कह रहे हो तो कांग्रेस दूसरे गोल में सम्मेलन भाग लेगी और हम लंदन जाएंगे। इरविन ने आगे, ठीक है
हम आपकी बात मानते हैं, जो आपने गैस सब्सिडी मांगती है, नमक कानून को हटा लेंगे, वहां कानून हटा लेंगे, सेना पर खर्च भी कम कर देंगे, पर आपने जो कहा कि जो गैर राजनीतिक बंदी है उनको हम नहीं छोड़ेंगे, यानी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की बात चल रही थी, तो इरविन ने बात मानने से मना कर दिया था। बाद में बहुत इस बात पर आलोचना हुई कि बाद में चर्चा करेंगे, आज नहीं। खैर, गांधी इरविन समझौते के बाद कांग्रेस ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने का निर्णय ले लिया और महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, कांग्रेस के दो प्रतिनिधि और बाकी बहुत कई लोग और पहुंचे लंदन में एसएस राजपूताना जहाज से पहुंचे कहां, लंदन। महात्मा गांधी, उनके साथ सरोजिनी नायडू भी थी, लेकिन जो भारतीय महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व किया था, भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला जो महिला थी वो थी एनी बेसेंट। ये आपको याद रखना है, भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली कौन थी, एनी बेसेंट थी। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रतिनिधि थी, यह आप पता नहीं, ठीक है ना, चलिए ये बात होगी। दूसरे सम्मेलन में जब महात्मा गांधी गए, उन्हें वहां भाग लिया, तो वहां की राजनीति से परेशान हो गए, उन्होंने कहा ये तो बात सही नहीं, जिस तरह से अंबेडकर साहब कह रहे हैं कि भाई दलित को आरक्षण दो, ये दो, तो महात्मा गांधी बहुत सी चीजों को लेकर उसमें बीच में उठकर आगे सम्मेलन से आने के बाद महात्मा गांधी ने कहा, जब 1 दिसंबर 1931 को महात्मा गांधी वापस आए, कि मैंने भारत की इज्जत को आंच नहीं आने दी, भारत को मैंने टूटने से बचा लिया, और आने के बाद फिर दोबारा से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी, पर अब उस आंदोलन में पहले वाली बात नहीं थी। 1933 के लास्ट में आकर महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा पूर्णतः वापस लेना पड़ा, और 1934 में, 1934 में, ध्यान बच्चों, 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस को पूरी तरह छोड़ दिया, कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया और पूर्णतः सरकारी कामकाज में लग गए। अंग्रेजों ने भी कांग्रेस को गैर राजनीतिक दल घोषित कर दिया, आखिर कोई राजनीतिक दल नहीं है, यानी गैर राजनीतिक दल घोषित करने में था कि अब वो कांग्रेस पर प्रतिबंध लगा सकती है, उसके नेताओं को गिरफ्तार कर सकती है। अब ये बात होगी 1934 की बात। अब रोलेट एक्ट कराओ, गोलमेज सम्मेलन हो गया, साइमन आयोग हो गया, इन सबकी रिपोर्ट के आधार पर 1935 का एक्ट आया, 1935 का एक्ट, भारत शासन अधिनियम बोलते हैं, पहली बार अखिल भारतीय संघ की बात करी गई, अखिल भारतीय संघ की बात की गई, किसमें, 1935 में। इसके तहत भारत में 11 राज्य बनाए गए, इन 11 राज्यों में उड़ीसा का गठन उड़िया भाषा के आधार पर हुआ था, हमारे उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत था, 11 राज्यों में 1937 में चुनाव हुए, 1937 में 11 में, 11 में से कांग्रेस को 5 में पूर्ण बहुमत मिला और 8 में इसकी सरकार बनी कांग्रेस की। 22 अक्टूबर को 1939 को सेकेंड वर्ल्ड वार के तहत की बात पर 28 महाचली सरकारों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। 22 अक्टूबर के बाद दो महीने बाद 22 दिसंबर को मुस्लिम लीग और अंबेडकर साहब ने मुक्ति दिवस मनाया कि भारतीय जनता कांग्रेस के शासन से मुक्त होगी, मुक्ति दिवस मनाया। किसने मनाया, अंबेडकर और मुस्लिम लीग ने मनाया मुक्ति दिवस, कब, 22 दिसंबर को, 28 मार्च सरकार ली, उत्तर प्रदेश ने संयुक्त प्रांत के जो पहले जो चाबी है, चाबी वाली है, अभी बस 10 मिनट, ठीक है, तो सरकार बनी, हमारे पहले प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बने गोविंद बल्लभ पंत, उस समय 11 प्रांतों के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहते थे, तो पहले कौन बने, गोविंद बल्लभ पंत बने। 1939 में जो सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ,
इसमें कांग्रेस ने शामिल होने से मना कर दिया, नहीं हम शामिल नहीं होंगे। सरकार ने बहुत प्रयास किया कि शामिल हो जाएं, युवाओं को प्रेरित करो शामिल हो जाएंगे, पर मना कर दिया कि हम शामिल नहीं होंगे। फिर भी ब्रिटिश सरकार ने विज्ञप्ति जारी कर दी, अब भारत भी युद्ध में शामिल है। इसी बात का विरोध करने के लिए 2 अक्टूबर 1940 को महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से, कहां से, पवनार आश्रम से व्यक्तिगत सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत करी विनोबा भावे ने, विनोबा भावे, विनोबा भावे ने कहां से, पवनार आश्रम से। इसी आंदोलन को जो सत्याग्रह दिल्ली चलो आंदोलन भी कहते हैं, दिल्ली चलो आंदोलन भी कहते हैं। दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, पर दिल्ली चलो आंदोलन किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं। इसका उद्देश्य था कि यह दिखाना कि भारत युद्ध में शामिल नहीं है। पहले ये थे सत्याग्रही, दूसरे जवाहरलाल नेहरू है ना, ये थे। ये विनोबा भावे वही है जिन्होंने भूदान आंदोलन चलाया था, और ये वही है जिन्होंने पहला भारत का रेमन मैक्स से पुरस्कार जीता, रेमन मैक्स से पुरस्कार जीतने वाले पहले व्यक्ति आचार्य विनोबा भावे थे, रेमन मैक्स से पुरस्कार ये थे। इसके बाद की जो घटना है ना, जो 40 में ही मुस्लिम लीग का लाहौर में अधिवेशन हुआ, कहां पर, लाहौर में, और लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने घोषणा कर दी आपको पाकिस्तान से अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, कम कुछ नहीं, उसको सिर्फ अब पाकिस्तान चाहिए। पाकिस्तान जो शब्द है ये 1933 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में चौधरी रहमत अली ने दिया था, पी से पंजाब, ए से अफगानिस्तान, के से कश्मीर, एस आई से सिंध, ऐसा ही बनता है ऐसे सिंध में, इसको उल्टा कर दिया था ऐसे सिंध, और बलूचिस्तान से तान, 1 2 3 4 5, इन पांच क्षेत्रों को लेकर पाकिस्तान शब्द चौधरी रहमत अली ने दिया था। इसी पाकिस्तान को लेकर 1940 में लाहौर में अधिवेशन हुआ, और मुस्लिम लीग ने कहा कि हम पाकिस्तान से कम कुछ भी नहीं चाहेंगे, हमें तो पाकिस्तान चाहिए चाहिए। तो यहां से भारत विभाजन की एक प्रकार से शुरुआत होने शुरू हो गई थी। पाकिस्तान की मांग मानने वाले एक प्रकार से जो पहले कांग्रेसी थे वो थे सिराज गोपालाचारी, सिराज गोपालाचारी। एक सीआर फॉर्मूला था जो उन्होंने 1940 में दिया था, इस फॉर्मूले में सबसे पहले मांग करी थी इन्होंने, बाकी चर्चा बाद में पढ़ेंगे डिटेल में, अभी नहीं। इसके बाद 1942 में भारत में क्रिप्स मिशन आया, क्या क्रिप्स मिशन, ये मार्च 1942 की बात है, 42, कौन सा मिशन, क्रिप्स मिशन आया। इस मिशन में तीन लोग थे, स्टोफर क्रिप्स जो कि व्यापारिक वाणिज्यिक मंत्री थे, एवी अलेक्जेंडर जो कि नौसेना के अधिकारी थे, और पैंथिक लॉरेंस जो कि भारत के सचिव थे। पैंथिक लॉरेंस 1942 में आया था। इस क्रिप्स मिशन में पहली बार अंग्रेजों ने अलग से पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर लिया था। क्रिप्स मिशन में यह था कि युद्ध समाप्त होने के बाद भारत को अधिराज्य डोमिनियन स्टेट दे दिया जाएगा, ब्रिटिश सरकार केवल कुछ कार्य अपने पास रखेगी, बाकी सारे अधिकार और काम भारत को सौंप देगी। उस समय इंग्लैंड पूरी दुनिया में हार रहा था, तो महात्मा गांधी ने कहा कि तो दिवालिया होते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक है, जो बैंक, जो देश दिवालिया हो रहा है वो हमें कह रहा है कि 1945 में, मतलब कह रहा है कि 42 में कि हम लोग युद्ध के बाद आपको ये दे देंगे। तो महात्मा गांधी ने कहा कि दिवालिया होते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक है ये, तो 1942 की बात को। तो क्रिप्स मिशन में तीन लोग थे, एवी अलेक्जेंडर, पैंथिक लॉरेंस और स्टोफर क्रिप्स। जो स्टोफर क्रिप्स थे वो व्यापारिक वाणिज्यिक मंत्री थे,
जो पेंथिक लॉरेंस थे वो भारत के सचिव थे और वही इस मिशन के अध्यक्ष थे। जो एवी अलेक्जेंडर थे वो नौसेना के अधिकारी थे। इसकी बात मानी नहीं, ये मार्च में ये वापस चला गया। फिर बात आती है अगस्त की, 9 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन आजादी की लड़ी गई अंतिम लड़ाई, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो जो शब्द है बच्चों धारणा, ये चौधरी रहमत उसके रहमत करा, ये यूसुफ मेहर अली ने दिया था। यूसुफ मेहर अली, किसने? यूसुफ मेहर अली ने दिया था। कौन शब्द? भारत छोड़ो शब्द। भारत छोड़ो लोकप्रिय बनाया महात्मा गांधी ने, पर नारा किसका था? यूसुफ मेहर अली का नारा था। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त को, 8 अगस्त के बाद 9 अगस्त बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से होनी थी। बंबई ग्वालियर टैंक, उसको बोलते हैं आज, उसको नाम है अगस्त क्रांति मैदान। लेकिन 9 अगस्त की रात को ही, पहले से 8 अगस्त का रात थी और 9 अगस्त शुरुआत होनी थी, ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। अब किसने तो कहा गिरफ्तार किया, यह बात इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी थे आगा खां पैलेस में, किसमें? आगा खां पैलेस में। जवाहरलाल नेहरू बाकी थे अहमदनगर जेल में थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी यरवदा जेल में थे और नेहरू अल्मोड़ा जेल में थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी आगा खां जेल में थे और पंडित नेहरू अहमदनगर जेल में थे। अहमदनगर जेल में ही पंडित नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी थी, भारत की खोज, किसने? नेहरू ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ एक पत्रकार थे लुई फिशर, लुई फिशर जो कि महात्मा गांधी के जीवनीकार भी हैं, ये उनके साथ थे। आगा खां पैलेस में जब महात्मा गांधी को रखा गया तो उन्होंने यहां पर बाद में हड़ताल करी। उसी हड़ताल के दौरान उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी और सचिव महादेव देसाई की मृत्यु हो गई दोनों की। महात्मा गांधी की ने भूख हड़ताल बाद में तोड़ ली थी, ठीक ना। अब इस दौरान क्या होता है, ध्यान रखिए बच्चों आप, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, करो या मरो का नारा दिया था, किसने? गांधी जी ने। अब ये जो आंदोलन था, जो 42 जो आंदोलन था, ये स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। इसका कोई भी नेता नहीं था, स्वतः स्फूर्त आंदोलन, कोई नेता नहीं था इसका, खुद चला। नए नए नेता उभर कर आए, जयप्रकाश नारायण जिन्हें बोलते लोकनायक, जन जन नायक बिहार में, राजेंद्र प्रसाद बिहार में, उषा मेहता महाराष्ट्र में थी, राम मनोहर लोहिया बंबई में, ये सब लोग मिलकर, उषा मेहता राम मनोहर लोहिया, ये सब लोग मिलकर भूमिगत रेडियो चलाया करते थे। 42 का जो आंदोलन था भारत छोड़ो, सब बड़े नेता जेल में, छोटे नेता उभरे बाहर आए, तो आंदोलन का दायरा और भी व्यापक हो गया। लॉर्ड लाल लिथगो जो समय वायसराय, वो जो पहले वायसराय थे 1937 में, इस आंदोलन के समय वायसराय थे लॉर्ड वेवल, इसमें कौन थे? लॉर्ड वेवल थे। लेकिन लिन लिथगो ने यह कहा था कि 1857 के बाद सबसे बड़ा जो विद्रोह है 1942 का है। पटेल ने यह कहा था इंदिरा इतनी ज्यादा ऊर्जा, इतना ज्यादा विपल मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा, जो बड़े नेताओं के जेल में बंद होने के बावजूद बड़े स्तर पर था। कोरिया मरो की स्थिति थी, पूरा तरीके पूरे भारत में आंदोलन चला था। उधर तो इंग्लैंड हार रहा युद्ध में, इधर भारत में स्थिति खराब होगी, क्या करे क्या संभाले। विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के, परेशान हुए किस बूढ़ा, ये जो बूढ़े से क्या करे कैसे निपटे बूढ़े से, बड़े दुखी थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसी दौरान इंग्लैंड की हालत खराब हो गई, वो हारने लगा युद्ध में, हालांकि वो जीता जरूर युद्ध में पर वो बहुत कुछ हार गया था। यही कारण था कि जब 1946 में जब चुनाव हुए इंग्लैंड में तो विंस्टन चर्चिल चुनाव हार गए,
देखिए आप, इंग्लैंड को जीता हुआ बनाने के बावजूद भी चर्चिल का चुनाव हारने का मतलब यह था कि आम जनता में चर्चिल की छवि खराब हो गई थी। तो चर्चिल चुनाव हार गए और लेबर पार्टी सरकार बनी। किसकी? लेबर पार्टी की। लेबर पार्टी की सरकार बनी और क्लीमेंट एटली, क्लीमेंट एटली ने पीएम बने इंग्लैंड के, ने प्रधानमंत्री बने। किस पार्टी थे? लेबर पार्टी के। इन्होंने 20 फरवरी 1947 को घोषणा कर दी कि हम जून 1948 तक, कब तक? जून 1948 तक भारत को आजाद कर देंगे, भारत को आजाद कर देंगे जून 1948 तक। और इसी परिप्रेक्ष में वेवेल को हटाकर माउंटबेटन, जो कि वहां की सम्राट के संबंधी थे, उन्हें भारत भेजा गया ताकि बातचीत करने में आसानी हो सके और सत्ता हस्तांतरण सही तरीके से हो सके। तो मार्च 1947 में माउंटबेटन भारत के वायसराय बनकर आए, उन्हें भारत नेताओं से बातचीत करी और बातचीत करने पर इस नतीजे पर पहुंचे कि भारत को जितनी जल्दी हो छोड़ दिया जाए। पूरे अप्रैल में बात करी, मार्च में बात करी, मई में पहुंचे इंग्लैंड वापस और वहां की संसद को बताया कि जितना जल्दी हो सके भारत को छोड़ दो। कि भारत में मुस्लिम लीग ने क्या कांड कर रखा था, मुस्लिम लीग जिन्ना, मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 से भारत में पाकिस्तान की मांग को लेकर डायरेक्ट एक्शन डे मनाना निर्णय लिया था। किसने? 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे, डायरेक्ट सीधी कार्यवाही दिवस, कि कहा कि जब तक सीधी कार्यवाही से बात नहीं बनेगी हम पाकिस्तान की मांग नहीं छोड़ेंगे, हमें पाकिस्तान लेकर रहना है और भारत में हिंदू मुस्लिम दंगे होना स्टार्ट हो गए। दंगे इतने भयानक थे कि लॉर्ड माउंटबेटन डर गए, इंग्लैंड गए कि कहा कि तुरंत भारत को विभाजित कर दिया जाए। और 3 जून प्लान, 3 जून की योजना, 3 जून प्लान, 3 जून योजना, कई एक नाम हो रहा है, माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन योजना के आधार पर भारत का विभाजन कर दिया गया, विभाजन कर दिया गया। और यह बात कर दी गई कि जनमत संग्रह करो, जो क्षेत्र जहां जाना चाहता है उसमें जा सकता है। ये वा उसके बाद भारत स्वतंत्रता अधिनियम था, वो 4 जुलाई को 47 को ब्रिटिश संसद में रखा गया। कब? 4 जुलाई को। 18 जुलाई को वो पास हो गया, 18 जुलाई को पास हो गया, 18 जुलाई को पास हो गया भारत स्वतंत्रता अधिनियम। पर हम आजाद हुए 15 अगस्त को। हम 15 अगस्त को आजाद हुए, इसके पीछे दो कारण बताए जाते हैं। एक कारण यह बहुत बड़ा कि 15 अगस्त 1945 को ही इंग्लैंड को द्वितीय विश्व युद्ध का विजेता घोषित किया गया था और इंग्लैंड इस तारीख को अपने इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण मानता है। 15 अगस्त को सेकेंड वर्ल्ड वॉर का विजेता घोषित किया गया था, तो इसलिए 15 अगस्त की डेट रखी गई और 14 अगस्त को पाकिस्तान बन गया और 15 अगस्त को हिंदुस्तान को आजादी मिल गई थी। 1947 की बात है। तो इस तरीके से आजादी मिली, जो जो घटनाएं थे मैंने आपको बताई थी सही तरीके से। 3 जून प्लान पर माउंटबेटन योजना के आधार पर भारत का विभाजन हुआ, 4 जुलाई को प्रस्ताव रखा गया और 18 जुलाई को पास हो गया और 15 अगस्त को हम आजाद हो गए। जब हम आजाद हुए तो महात्मा गांधी कहां थे? महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स माउंटबेटन ने कहा था। किसे कहा था? वन मैन बाउंड्री फोर्स माउंटबेटन ने। उसमें महात्मा गांधी नोवाखली में थे। कहां थे? नोवाखली। ये पड़ता है बांग्लादेश में। यहां दंगे बहुत भयंकर दंगे हो रहे थे, बहुत भयंकर दंगे थे नोवाखली में। इन दंगों को सेना और पुलिस रोक नहीं पाई, अकेले महात्मा गांधी ने रोक दिया।
इसलिए कहा माउंटबेटन ने, आप तो वन मैन बाउंड्री फोर्स हो, जो काम हजारों की पुलिस बल नहीं कर सका, आर्मी नहीं कर सकी, वो काम आपने अकेले कर दिया। खैर, तो वन मैन बाउंड्री फोर्स, तो उसमें कहा थे महात्मा गांधी नोआखली में थे आजादी के समय। अब जैसे देश नायक किसको बोलते हैं, सुभाष चंद्र बोस को बोलते हैं देश नायक। सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति अभी सीपी में लगाई गई है, जो आपका आप पहले तो आप जनपद बोलते, पहले ना राजपथ का नाम नहीं है, अब कर्तव्य पथ है। तो कर्तव्य पथ के बगल में ही बोस की मूर्ति लगाई है। सुभाष चंद्र बोस 1923-22-23 में भारत राजनीति में आए थे, युवा नेता थे। 1938 में कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष बने, हरिपुर अधिवेशन गुजरात में हुआ था। 39 में फिर अध्यक्ष बनाने के बाद उनको आई, महात्मा गांधी विरोधी थे, इसलिए 1939 में कांग्रेस के लिए पहली बार चुनाव हुआ अध्यक्ष पद के लिए। 1939 त्रिपुरी, कहां पर, त्रिपुरी में। 39 में त्रिपुरी पड़ता है एमपी में, कहां है, एमपी में कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए पहली बार चुनाव हुआ। और पट्टाभी सीतारामैया और बोस के बीच चुनाव हुआ, 203 वोटों से सीतारामैया हार गए, सुभाष चंद्र बोस जीत गए। पर बोस को 1939 के बीच में ही इस्तीफा देना पड़ गया महात्मा गांधी के चलते। अब जब इस्तीफा देना पड़ गया तो महात्मा गांधी इस्तीफा दे दिया, तो उसमें फिर कांग्रेस अध्यक्ष बने राजेंद्र प्रसाद ने। 1939 में बोस के इस्तीफा देने के बाद अध्यक्ष बने कौन, राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना करी, सेकंड वर्ल्ड वॉर जारी था। सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि हम जो शत्रु है ब्रिटेन के, से रूस है, जापान है, जर्मनी है, जो दुश्मन है इंग्लैंड के, उनसे मेल मिलाप करके, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होगा ना, तो उससे मिलाप करके उनको अपने पक्ष में करके ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ा जाए। लेकिन अंग्रेजों ने इसे देशद्रोह की संज्ञा दी और भारत सुरक्षा कानून इंडियन सिक्योरिटी एक्ट के तहत 1940 में बोस को गिरफ्तार कर लिया गया, कलकत्ता में गिरफ्तार कर लिया। बोस ने वहां हड़ताल कर दी, भूखा कर दी, कुछ नहीं खाया। उस बात को लेकर बोस को उनके घर में फिर दो तीन महीने बाद, 3 महीने बाद बंगाल में घर में ही नजरबंद कर दिया गया। अब वो तो सुभाष चंद्र बोस थे, नजरबंद कहां रहने वाले थे। तो सुभाष चंद्र बोस 1940 में जियाउद्दीन नामक पठान, सिकंद काठी बोस के समान थी उनके वेश में, गाड़ी में बैठे और निकल लिए अपना, किस नाम से, जियाउद्दीन के नाम से। तो जियाउद्दीन के नाम से निकल लिए और चले गए। कहां गए, पहले एक भगत मल तलवार करके एक व्यक्ति था, भगत मल तलवार, जिन्होंने सहायता करी थी, और काबुल पहुंचे। काबुल में इटली के पासपोर्ट की एक व्यवस्था करी, मेजोंटा, मेजोंटा नाम था उस व्यक्ति का जिसका उन्होंने पासपोर्ट बनवाया था, इटली का पासपोर्ट था, मेजोंटा उसका नाम था, मेजोंटा, मेजोंटा के नाम से पासपोर्ट बनवाया इटली का। फिर रूस पहुंचे मास्को, मास्को के बाद पहुंचे बर्लिन, हिटलर से मिले। हिटलर ने ही बोस को नेताजी कहा था, बोस को नेताजी कहा था, और वहीं उन्होंने आजाद हिंद रेडियो की स्थापना करी, और जो भारतीय जर्मनी में रह रहे थे उनको मिलाकर वहीं पर अपना संगठन बनाया और वहीं से अंग्रेजों के खिलाफ अभियान चलाया। इसी दौरान टोक्यो में और दक्षिण पूर्व एशिया, सिंगापुर, बैंकॉक वगैरह में जो भारतीय युद्धबंदी थे, उनमें दो व्यक्ति कैप्टन मोहन सिंह और राज बिहारी बोस, इन दोनों ने जून 1942 में बैंकॉक में एक सम्मेलन बुलाया। उस सम्मेलन में राज बिहारी बोस, कैप्टन मोहन सिंह, एक कोई गिल करके थे, गिल, इन तीनों ने एक पार्टी बनाई, इंडियन इंडिपेंडेंस आर्मी, आईएनए बोलते हैं उसको, इंडियन इंडिपेंडेंस आर्मी। इसी का ही निमंत्रण भेजेगा बोस को कि बोस आप आइए और आईएनए का नेतृत्व संभालिए। बैंकॉक के बाद कैप्टन मोहन सिंह ने ही आजाद हिंद फौज की स्थापना करी। अगर कोई पूछता है कि आजाद हिंद फौज किसके दिमाग की उपज है, तो कैप्टन मोहन सिंह।
4 जुलाई 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का नेतृत्व संभाल लिया। 43 की बात है, 43 की नहीं सर 42 की बात है, संभाल लिया। उसके बाद बोस ने जापान की सहायता ली और जापान की सहायता से सिंगापुर के कैथे हॉल में एक बड़ा सम्मेलन बुलाया। वहां पर इन्होंने एक अस्थायी सरकार की स्थापना करी सिंगापुर में। सिंगापुर में ऐसे सरकार की स्थापना करने के बाद वहां पर कुछ सेना बनाई और वहीं पर नारा दिया सिंगापुर में ही, अब तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जय हिंद दिल्ली चलो। सब कैथे हॉल की ही बात है। अपनी सेना में नेहरू ब्रिगेड, लक्ष्मीबाई ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड नाम से अलग अलग अपनी ब्रिगेड बनाई और सबसे पहले अंडमान निकोबार द्वीप जीत लिया। अंडमान का नाम रखा शहीद द्वीप, ना अंडमान का नाम क्या था शहीद द्वीप, जो था निकोबार का नाम रखा स्वराज द्वीप। हम बोलते हैं अंडमान निकोबार, निकोबार अंडमान बोलते हैं, अंडमान निकोबार बोलते हैं। तो पहले शहीद होंगे तभी तो स्वराज मिलेगा, पहले क्या होंगे शहीद तब क्या मिलेगा स्वराज। तो अंडमान का नाम क्या था शहीद, निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रखा। उसके बाद मणिपुर पहुंचे, मणिपुर भी जीत लिया लगभग। लेकिन 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी में बम गिरने के बाद जापान ने अपना सहयोग वापस ले लिया और सुभाष चंद्र बोस को वहां से हटना पड़ा और ताइवान जाते समय उनका एरोप्लेन क्रैश हुआ और उनकी मृत्यु होगी। उस पर मृत्यु पर कहते भाई हुए कि नहीं हुए तो बात अलग है, लेकिन दो आयोग बने, एक था खोसला आयोग एक मुखर्जी आयोग। खोसला आयोग और मुखर्जी आयोग का संबंध जो है सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के रहस्य से लेकर है। तो इस तरीके से ये बातें थी आपके लिए, ये बातें आप ध्यान से सुनिएगा एक दो बार, आपको कुछ भी कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके पांचों क्वेश्चन लगभग इससे मिल जाएंगे। ठीक बच्चों, जो बैठ के एग्जाम में बैठ रहे हैं 15-16 तारीख को, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत सारा ढेरों प्यार आपके लिए और बहुत बहुत बात दिल से शुभकामनाएं, आपका स्कोर 80+ हो। जय हिंद जय भारत।